نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين تفسير سورة بني إسرائيل रकू नंबर 7 आयत नंबर 61। वइज़ कुलना लिल मलाइकति इस्जुदू ली आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। याद करो जब हमने मलाइका से कहा था कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का किस्सा कुरान में 7 दफ़ा आया है, एक दफ़ा मदनी सूरत में सूरह बकरा में और बाकी मक्की सूरतों में, और ये उनमें से एक मक्की सूरत का किस्सा है। उसने कहा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया, फिर वो बोला देख तो सही क्या ये इस काबिल था कि तूने इसे मुझ पर फजीलत दी। क्या रवैया है शैतान का, तकब्बुर, घुमंड, गरूर और किसी को अपने से हकीर समझने का रवैया। अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत देगा तो मैं इसकी पूरी नस्ल की बेखनी कर दूंगा, बस थोड़े ही मुझसे बच सकेंगे। अल्लाह अल्लाह सुभाना ताला, अल्लाह हमें और हमारी औलादों को और हमारी नस्लों को इससे बचने वाला खुशनसीब बना दे। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तू जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत उन सब के लिए जहन्नुम भरपूर जजा है। तू जिस जिस को अपनी दावत से फिसला सकता है फिसला ले, इन पर अपने सवार प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में इनके साथ साझा लगा और इनको वादों के जाल में फंसा, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं है। यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इक्तदार ना होगा और तवक्कुल के लिए तेरा रब काफ़ी है। अल्लाह शैतान के वसवसों से बचने के लिए हमें अपना बंदा बना, बंदगी के तरीके अदब और सलीके सिखा, बंदगी में लुत्फ और हुसन अता फरमा। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पर तस्करा किया कि शैतान को कहा गया था कि तू जा तू अपने प्यादे और अपने सवार ले आ। याद रखिएगा शैतान एक अकेली हस्ती नहीं है, एक अकेली चीज़ और ताकत नहीं है, उसका एक पूरा जत्था है, उसका पूरा ग्रुप है, उसकी एक बाकायदा माफिया और एक धड़ा है, और वो अपने सवार और अपने प्यादे लेकर आता है। और आजकल के दौर में शैतान के सवार और उसकी सवारियां, ये सारे का सारा मीडिया, ये केबल्स, ये इंटरनेट, ये लिटरेचर और ये सारा सोशल मीडिया जो बुनियादी तौर पर शैतान का चेला और शैतान का एक आलायकार और उसकी सवारी है, उसी सवारियों पर सवार होकर तो वो घर घर में अपना जाल फंसाए हुए और उसके जबड़े खुले हैं और वो हमारी औलादों को उसमें निगलने के लिए तैयार है। अल्लाह सुबहाना ताला सबकी हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी मदद और रहनुमाई फरमा, और अल्लाह हम सब को इसकी आफत से बचने वाला खुशनसीब बना। तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समुंदर में तुम्हारी किश्ती चलाता है ताकि तुम उसके फजल को तलाश करो। हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर नहायत मेहरबान है। जब समुंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर जब वो तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देते हैं तो तुम उसे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हो कि खुदा कभी खुशकी ही पर तुमको जमीन में धंसा दे या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम मुझसे बचाने वाला कोई हमायती ना पाओ? और क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं कि खुदा फिर किसी वक्त समुद्र में तुम्हें ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गर्क कर दे और तुम्हें कोई ऐसा ना मिले जो उससे तुम्हें उस अंजाम की पूछ-कुछ कर सके? ये तो हमारी अनायत है कि हमने बनी इसराइल को बुजुर्गी दी है, उन्हें खुशकी और तरी में सवारियां अता की हैं और उनको पाकीज़ा चीज़ों से रिज़्क़ दिया है और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फौकियत बख्शी है। फिर ख्याल करो उस दिन का जब हम हर इंसान के गरोह को उसके पेशवाओं के साथ बुलाएंगे, उस वक्त जिन लोगों का नामा आमाल उनके सीधे हाथ में दिया गया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इन खुश नसीबों में बना देना। वो अपना कारनामा पढ़ेंगे, उन पर ज़रा बराबर जुल्म नहीं होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बन के रहा किससे? कुरान की आयात से, कुरान के अहकाम से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अंधा
पहरा सुम्मुम बुकमुम उम्युम बन के रहा, वो आखिरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम। इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डालकर उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है, ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ो। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो जरूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते, और बईद ना था कि अगर हम तुम्हें मजबूत ना रखते तो तुम उनकी तरफ कुछ झुक जाते। लेकिन अगर तुम ऐसा करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मजा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का। फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार ना पाते, और ये लोग इस बात पर तुले रहे हैं कि तुम्हारे कदम इस जमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहां से निकाल बाहर करें। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे बाद ये खुद यहां ज्यादा देर रह नहीं सकेंगे। अल्लाह सुभाना ताला ने 12 सने नबूवत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों को तंबीह भी कर दी गई है और पेशिनगोई भी कर दी गई है कि अगर एक साल के बाद तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से हिजरत पर मजबूर कर दोगे ऐसे हालात मुखालिफत के करके, तो तुम खुद भी अल्लाह के हुक्म से ज्यादा देर यहां पर टिक नहीं सकोगे। ये वो दौर है जब दूर दूर तक इस पेशिन गोई के दुरुस्त होने का इम्कान नजर नहीं आता था, लेकिन हुआ वही जो आलिमुल गैब ने कहा। अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लामुल गयूब है। ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ाकार है जो उन सब रसूलों के मामले में हमने बरता है जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा था, और हमारे तरीके में तुम कोई तगैयुर और तब्दीली नहीं पाओगे। नमाज कायम करो जवाले आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक। सूरह अल इसरा सूरह बनी इसराइल शबे मेराज के बाद नाजिल होने वाली ये सूरत, 5 नमाजें 50 नमाजों को घटा के 5 किया गया और फिर फरमा दिया गया कि अब यही 5 गोया तुम्हारी 50 के बराबर हैं। तो गोया शबे मेराज पर 5 नमाजें फर्ज करने के बाद अब नमाज का तज़करा और नमाज के कयाम का हुक्म। ये याद रखिएगा कि कुरान में कहीं नमाज की अदायगी का हुक्म नहीं है, नमाज को कायम करने का हुक्म है। रब्बी जालनी मुकीम सलाती व मिन ज़ुर्रियती। अल्लाह सुभाना ताला ने कुरान में डायरेक्टली पंचगाना नमाज और नमाज के 5 वक्त के औकात का तायुन और तज़करा नहीं फरमाया, इनडायरेक्टली इशारे कनाये से 5 वक्त के औकात की निशानदेही की गई है। लेकिन ये कि नमाज के औकात के साथ साथ नमाजों के नाम भी नहीं लिए गए, सिर्फ 5 नमाजों में से फजर और असर का नाम भी लिया गया है और इनकी कसम भी खाई गई है। यहां पर नमाज का हुक्म देने के बाद अल्लाह फरमा रहा है और क्या करो, वह कुरान अल फजरी, और फजर के कुरान का भी एहतमाम करो। क्यों क्यों करें, इन्ना कुरान अल फजरी काना मशहूदा, कि इसमें तो कोई शक और शुबा है ही नहीं ना कि फजर का कुरान जो है वो मशहूद है, यानी उसकी गवाही और शहादत दी जाती है। कुरान अल फजर के एहतमाम का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान अल फजर से मुराद मुफस्सरीन दो चीज़ें लेते हैं, एक तो वो कुरान जो फजर की नमाज के क़याम में जिसकी तलावत की जाती है वो कुरान अल फजर से मकसूद है, और दूसरा मतलब फजर की नमाज की अदायगी के बाद जो तलावत कुरान का एहतमाम किया जाता है वो कुरान अल फजर से मकसूद है। यहाँ पर फजर के वक्त कुरान की तफसीर और कुरान का जो तलावत है उसकी ताकीद क्यों की जा रही है, याद रखिएगा ये हुक्म खुदाबंदी है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और की ताकीद भी है और सुन्नत का नमूना भी है, गोया ये सुन्नत मुअक्कदा है। ताकीद क्यों की जा रही है, पहली वजह तो इस आयत नंबर बनी इसराइल की आयत नंबर 78 ही में बता दी गई कि वो कुरान जो है उसकी गवाही दी जाती है, और गवाही कैसे जाती है, वो फरिश्ते। आपको पता है हमें हदीस से खबर दी गई है कि सुबह और शाम के फरिश्ते जो हैं इनकी जिम्मेदारियां और इनकी ड्यूटीज फजर के बाद और असर के बाद तब्दील होती हैं। सारी रात जो ज़मीन की निगरानी और ज़मीन में मामलात और अल्लाह के अमूर को पूरा करने के लिए जो फरिश्ते सारी रात पिछली असर से रात की जिम्मेदारी देते हैं, वो फजर के वक़्त फिर ज़मीन से बर्खास्त होते हैं, ऊपर आसमान से दूसरे फरिश्ते जो हैं वो उतरते हैं और वो फजर से लेकर असर तक अपनी जिम्मेदारियाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कंडक्ट और कैरी आउट करते हैं। तो ये दो औकात फरिश्तों की तब्दीली
जिम्मेदारी के औकात हैं। फजर के वक्त जो फरिश्ते अल्लाह सुभाना ताला की तरफ रवाना होते हैं, वो तलावत कुरान जो फजर में किया जाता है उसकी गवाही देते हैं, इसलिए फजर की तलावत की ताकीद की जाती है। अल्लाह सुभाना ताला से दुआ है कि हमारे घर और हमारे आंगन उन घरों में से बन जाएं, उन खुश नसीब घरानों में से बन जाएं कि हमारे घरों के आंगनों से पलटने वाले फरिश्ते अल्लाह सुभाना ताला के हजूर गवाही दें कि अल्लाह फजर की अजान हुई थी उससे पहले अहले खाना उठ चुके थे, वजू करके अपनी अपनी नमाजी के लिए अपनी नमाजों के लिए तैयार थे, मर्द मस्जिदों में रवाना हो गए, औरतें अपने छोटे बच्चों को लेके अपनी अपनी जाए नमाज पर खड़ी होके एक तवील कयाम रकू और सुजूद में मसरूफ हो गई, और अल्लाह जब हम पलटे थे तो माएँ अपने बच्चों के साथ कुरान के सहीफे खोल के तलावत शुरू कर चुकी थी, शोहर अपने घरों में पलट कर अपने कुरान खोलने में मसरूफ अमल थे। अल्लाह हमारे आंगनों से ये खैरियत की और ये तलावत फजर और फजर की नमाज की गवाहियां पहुंचे। अल्लाह तूने दिन दिन जागने और रात सोने के लिए बना दिया, अल्लाह आज रात को ताखीर से जाग के फजर की नमाज की सुस्ती और काहिली से अल्लाह हमारी नस्लों को बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें और हमारी नस्लों को कुरान अल-फजर की बेहतरीन तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हमें अपनी औलादों को ये पैगाम देने और इसकी तरफ रागिब और माइल करने वाली माएं बना। अल्लाह हमारी बातों में तासीर अता फरमा। फजर का कुरान इसलिए भी पढ़ना है कि ये दिन का आगाज है, और जैसे हमें हदीस से पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई कि हर काम से पहले अल्लाह का नाम लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, क्योंकि जिस काम से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती उससे बरकत उठ जाती है। तो जब दिन के आगाज में सिर्फ अल्लाह का नाम ही नहीं अल्लाह का कलाम पढ़ के दिन का आगाज होगा तो इंशाल्लाह बहुत बरकत होगी, औकात में, सलाहियतों में, माल में, रिस्क में, हर चीज में बरकत होगी। ये आज जो बरकतें उठती चली जा रही है ना, उसकी एक वजह ये कुरान अल फजर की अदम अदायगी भी जरूर होगी। दूसरी बात यह कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं खाली दिमाग और फ्रेश होते हैं, तरोताज़ा होते हैं, उस वक्त जब हम कुरान पढ़ते हैं और कुरान को सीखते हैं और समझते हैं तो वो जल्दी समझ भी आता है, जहन भी खुलता है और एब्जॉर्ब भी होता है। और फिर उसके बाद देखे फारिग होते हैं, खाली जहन होते हैं, कोई मसरूफियत नहीं, कोई शुगल नहीं, शोर नहीं, हंगामा नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं, बेल नहीं बज रही, मोबाइल नहीं बज रहा, हंडिया नहीं चढ़ी हुई, कोई इंटरेक्शन, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, टोटल पीस है, टोटल ट्रैंक्विलिटी है, खामोशी है, कोई डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस के बगैर जब हम पढ़ते हैं तो यकसुई से पढ़ते हैं, तवज्जो से पढ़ते हैं, खाली दिमाग से पढ़ते हैं। तो जैसे वो होता है ना कि आप एक भरे हुए स्पंज को गीली जगह पे रखें तो वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसको निचोड़ के खाली करके जब आप पानी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे तो वो सब स्पंज एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये जब हम सुबह खाली दिमाग के साथ और फुर्सत औकात के साथ फजर कुरान का फजर के बाद कुरान पढ़ते हैं तो वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर सुबह सुबह दिन का आगाज कुरान के साथ जब होगा तो सारे दिन के लिए एक बहुत खूबसूरत मैसेज, एक बहुत खूबसूरत रिमाइंडर और याद दहानी होगी, और फिर सुबह सुबह ईमान की बैटरी भी चार्ज हो जाएगी। सुबह सुबह अपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाती हैं ना, तो बस जब मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देती हैं तो अपने ईमान को चार्ज करने के लिए अपने आप को कुरान के साथ जोड़ लिया करें। अल्लाह हमें इसमें इस्तकामत अता फरमाए। और फिर अल्लाह ने फरमाया फजर के कुरान का इतमाम तो करो, अपनी फजर की नमाज में भी कुरान पढ़ो, अपने फजर के बाद भी कुरान का इतमाम करो, और रात को क्या करो, मिन अल-लैल फतहज्जुद बिही नाफिला, पांच वक्त की औकात का तस्करा, फिर उसके बाद सुबह की फजर की नमाज और फजर के कुरान का तस्करा, और फिर तहज्जुद की नमाज। आपको पता है कि शबे मेराज से पहले मक्की दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम एक रात की और एक दिन की नमाज पढ़ते थे, गोया सिर्फ दो नमाजें तब तक फ़र्ज थी। शबे मेराज के बाद पंचगाना पांच वक्त की नमाज जब फ़र्ज हुई तो तहज्जुद की नमाज इसी आयत की रूह से नफल हो गई,
कुछ की नज़र में ये बाकी उम्मत के लिए नफल थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फ़र्ज थी, क्योंकि बहुत से अहकामात ऐसे हैं जो उम्मत और नबियों के दरमियान फ़र्क थे। लेकिन कुछ की राय यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी नफल थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था कि जब आप कोई नेकी का अमल शुरू करते थे तो उसमें मदावमत यानी हमेशगी और परसिस्टेंस रखते थे और फिर आप उस नेकी के अमल को नहीं छोड़ते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको नाफिला होने के बावजूद भी तर्क नहीं किया और अपनी जो विसाल की बीमारी, जो मरजुल मौत थी, उस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तहज्जुद की नमाज अदा करते थे। तहज्जुद की नमाज फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नफल इबादत है, सबसे अफजल नफल नमाज है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुअक्कदा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब रूटीन में फजर के तहज्जुद में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा की रवायत से आता है कि आप दो दो नफल करके 8 रकतें अदा करते थे और फिर उसके बाद वितर अदा करके अपनी तहज्जुद की रकतों को ताक या ऑड कर देते थे। तहज्जुद की नमाज का वक्त अगर हम देखें, ये बहुत बरकत वाला वक्त है, ये बहुत अफजल वक्त है। ये वो वक्त है जिसमें हदीस सही हदीस के अल्फाज आते हैं कि अल्लाह सुबहाना ताला तहज्जुद के वक्त आसमान दुनिया, आपको पता है ना 7 आसमान है, तो ये आसमान जो हमें आंखों से नजर आता है ये आसमान दुनिया है। तहज्जुद के वक्त अल्लाह सुबहाना ताला आसमान दुनिया पर उतरते हैं, अपना हाथ फैलाते हैं। ये सब हमारे लिए मुतशाबे हाथ हैं, हम इस कैफियत और हकीकत को नहीं जानते। अल्लाह सुबहाना ताला अपना हाथ फैलाते हैं और ऐलान फरमाते हैं, तुम में से है कोई जो अपनी हाजत बयान करे और मैं उसकी हाजत पूरी करूँ, जो अपनी झोली फैलाए और मैं उसकी दुआ कबूल करूँ, जो अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करे और मैं उसके गुनाह बख्श दूँ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह सुबहाना ताला ये ऐलान उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक फजर का वक्त होता है। तो ये बहुत ही बरकतों वाला, बख्शिशों वाला, दुआओं की कबूलियत का वक्त है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान की इस आयत से साबित है। तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है वो कुछ की राय में निसफ रात यानी मिड नाइट के बाद, आधी रात के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू होता है और कुछ की नज़र में रात की आखिरी तिहाई, दैट इज द लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट, दो तिहाई रात की 2/3 ऑफ द नाइट गुजर जाने के बाद जो 1/3 ऑफ द नाइट है वो तहज्जुद का वक्त है। और बाय स्ट्रिक्ट डेफिनेशन तहज्जुद की नमाज के लिए सो कर उठना और नींद तोड़कर उठना ज़रूरी है, लेकिन बहर कैफ अगर जैसे आजकल बहुत रात को देर से जागने की भी एक आदत और रूटीन है, लोग रूटीन में नॉर्म में ही 12 बजे के बाद और मिडनाइट के बाद जाग रहे होते हैं, हमारी तो मिडनाइट डील्स भी तभी शुरू होती हैं ना, और मोबाइलों के मिडनाइट पैकेजेस भी तभी शुरू होते हैं ना, तो बस उसकी टेम्पटेशन में रातों को जागते रहते हैं। मैं तो हैरान होती हूँ कि जो रातों को जागते हैं वो फितरत से बगावत करके, ये बगी है, ये फितरत का कानून है कि रातों को सोना है। अल्लाह रात को अंधेरा कर देता है, चिरिंद परिंद हैवानात खामोश हो जाते हैं, तारीकी छा जाती है, अंधेरे का पर्दा छा जाता है। ये कायनात का निज़ाम है और ये कायनात के निज़ाम से और अल्लाह के उस कुदरती निज़ाम से एक शक्ल में बगावत है। बहरहाल तहज्जुद में अगर उस वक्त लोग जाग रहे हैं तो बहुत दफ़ा हमसे लोग सवाल करते हैं कि अगर हम जाग ही रहे हों और हम सो के ना उठें तो क्या हम उस वक्त पढ़ सकते हैं। हाँ जी, बाय स्ट्रिक्ट डेफिनेशन मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं उसको तहज्जुद लेबल कर दूं बाय डेफिनेशन, लेकिन बहरहाल वो एक बहुत अफजल वक्त की इबादत ज़रूर होगी। अपने आप को उस अफजल बेहतरीन बख्शिश और कबूलियत दुआ की इबादत के वक्त से अपने आप को महरूम मत करें। सोने से पहले हल्के फुल्के नवाफिल अपनी इस्तेताद के मुताबिक ज़रूर पढ़ लिया करें, बल्कि आज की जो यूथ भी जाग रही होती है उनको भी कहा करें, बच्चों अगर जाग रहे होते हो तो सोने से पहले मिडनाइट के बाद और या लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट के बाद नवाफिल पढ़ लिया करो। वो कहते हैं ना, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। हो सकता है ये उसका लुत्फ, ये उसकी आदत, ये उसकी मिठास और चाशनी ऐसे आदि हो जाएं कि फिर लेटर पार्ट ऑफ देयर लाइफ किसी जिंदगी के हिस्से में उस आदत के लुत्फ की वजह से जाग कर भी तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाएं।
और वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बेहतरीन तहज्जुद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहज्जुद थी, क्योंकि आप दो दफ़ा आप इशा के बाद सो जाते थे, फिर मिडनाइट के बाद उठते थे, तहज्जुद के नवाफिल अदा करते थे, और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु आप सोते थे और फिर फजर की नमाज के लिए उठते थे। तो दो दफ़ा महबूब और दिल पसंद नींद तोड़ के उठने की वजह से ये अजर सबसे ज़्यादा। अच्छा जनाब, उसके बाद अल्लाह सुबहाना ताला ने ये अजर बताया और तहज्जुद का हुक्म दिया कि ये नाफिला है, और साथ ही अल्लाह ने वादा फरमाया कि बईद नहीं कि तुम्हारा रब तुम्हें मकाम महमूद पर फायज कर दे। गोया तहज्जुद की नमाज जो है वो दरजात की बुलंदी के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है। उसके बाद आयत नंबर 80 सूरह बनी इसराइल में बहुत खूबसूरत दुआ है। मैं आपको दुआएं साथ साथ अंडरलाइन करवाती जाती हूं, तो ये दुआ तो ज़रूरी अंडरलाइन कर लीजिए। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिदकें व अखरिजनी मुखरजा सिदकें व जअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाह सुबहाना ताला से दुआ करो। अल्लाह सुबहाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ सिखाई और ये दुआ करने का हुक्म दिया 12 सने नबूवत हिजरत से एक साल पहले शबे मेराज के मौके पर, जब मदीना दिखा दिया गया था कि आप यहां हिजरत करके आएंगे, तो उसके बाद अब सूरह बनी इसराइल में हिजरत से एक साल पहले ये दुआ सिखाई जा रही है। तर्जुमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दुआ जो अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने हबीब को सिखाई उसके कितने बेहतरीन असरात मुरतब हुए। अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि आप दुआ करें कि परवरदिगार मुझे जहां भी तू ले जा तू सच्चाई के साथ ले जा, और जहां से भी तू निकाल सच्चाई के साथ निकाल, और अपनी तरफ से क्या कर, वजअली मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा, अपनी तरफ से वहां के जो इक्तदार वाले हैं उनको मेरा मुआविन और मददगार बना दे। आप देखें कि ये दुआ किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मददगार और मुआविन बनी। हिजरत से पहले आपको ये दुआ सिखाई गई, आप हिजरत पूरी सच्चाई पूरी सदाकत पूरी अमानत के साथ मक्का से निकले, आप पूरी सदाकत और अमानत के साथ मदीना में दाखिल हुए, और फिर वहां पर मदीना की रियासत में वो सब आपके मुआविन और मददगार बन गए। कहां से उन्होंने दावत दी, कहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहमान नवाजी की, कहां सारे घरों के आंगन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी के लिए खुल गए, कहां अंसार जो है वो मवाखात के बाद भाईचारा एक दूसरे के भाई घर बट गए, कारोबार बट गए, बाग बट गए, और कहां मदीना वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना का हाकिम बना लिया। ये है वजअली मिल्लतुन का सुल्तानन नसीरा। ये हदीस में ताकीद तो नहीं है, लेकिन इस दुआ के असरात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुरतब हुए, मेरा अपना मामूल है कि जब मैं अपनी जिंदगी में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया मिशन, कोई मरहला मेरी जिंदगी में नया शुरू होता है, यहां तक कि मैं कोई छोटी सी क्लास नहीं शुरू करने लगती हूँ, ये दौरा कुरान जो इस दफा हुआ एक नए फॉर्मेट से होने लगा था, मेरे सारे साथियों का भी एक नए फॉर्मेट से होने लगा था, तो मैं सबके लिए ये दुआ और अपने लिए भी ये दुआ हर मरहले से पहले, तो लिहाजा अपनी जिंदगी में इसको मामूल बना लीजिए। इसके बड़े खूबसूरत असरात हम इस्लाम की तारीख में देख चुके हैं, इंशाल्लाह मैं और आप भी उनसे महरूम नहीं रहेंगे। और वैसे भी कुरान के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़े हैं, और फिर हम पढ़ेंगे तो खैर बरकत भी समेटेंगे, कोई नया कारोबार होने लगे, और अपने बच्चों को शादी ब्याह के पहले भी ये सिखाएं। मुझे याद है मैंने अपनी दोनों बहुओं को ये दुआ पढ़ाई, रिश्ता हो गया, हाँ हो गई, पहली दफा उनके घर गए तो मैंने उनको ये दुआ पढ़ाई, अपने दामाद को मैंने उसके मैसेज मोबाइल पे करके मैंने उसे कहा कि तुम ये दुआ पढ़ो, रुखसती से पहले मैंने इनको फिर याद दहानी करवाई कि अब इन दिनों में ये दुआ कसरत से पढ़ो। तो अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, अपने शोहरों को किसी नए जिंदगी के एडवेंचर और प्रोजेक्ट से पहले इस दुआ को जरूरी अपना लीजिए। और फिर अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया कि अब ऐलान कर दो कि हक आ गया, जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन अल बातिल काना ज़हूका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने वाला है। आई अगेन रिपीट, 12 सने नबुवत में जब हक के गालिब आने और बातिल के मिटने का कोई दूर दूर तक उम्मीद भी नजर नहीं आती थी, उस वक्त अल्लाह सुबहाना ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ऐलान की ताकीद फरमा दी। ये अल्लाह है, ये आलिमुल गायब है, और होता वही है जो वो चाहता है, कोई पत्ता भी उसके हुक्म, उसके इज़्ज़न, उसके इल्म और उसकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता और गिरता।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातेहे मक्का बन के मक्का में दाखिल हुए थे तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने मुबारक पर यही आई थी, जाल हक व ज़हक अल बातिलु इन्नल बातिला काना ज़हूका। और इस आयत के बाद हमें वो भी पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक के गलबे पर सहाबा इकराम को मुखातिब होकर फरमाया था कि तुम में से कौन है जो जाए, और आपने तीन बातों की ताकीद की थी, तुम में से कौन है जो जाए, कोई तस्वीर ऐसी ना छोड़े जिसे मिटा ना दे, कोई कब्र ऐसी ना छोड़े जिसे हमवार ना कर दे, और कोई बुत ऐसा ना छोड़े जिसे तोड़ ना दे। तो गोया ये तीन करने के काम आपने फतेह मक्का के मौके पर बताए। अल्लाह हमें इनको अपनी ज़िंदगी में राइज करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म पर लब्बैक कहा था और उन्होंने खाना काबा के बुतों को मिसमार किया था। हम इस कुरान के सिलसिला तंजील में वो कुछ नाजिल कर रहे हैं जो मानने वालों के लिए तो शिफा और रहमत है मगर जालिमों के लिए खसारे में और किसी चीज़ का इजाफा नहीं करता। इंसान का हाल ये है कि जब हम उसको नेमत अता करते हैं तो वो ईंटता है, पीठ मोड़ लेता है, और जब जरा सी मुसीबत से वो दो चार होते तो मायूस होने लगता है। इनसे कह दो हर एक अपने तरीके पर अमल कर रहा है, अब तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि सीधी राह पर कौन है। ये लोग तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, मैंने आपको बताया था रूह के तीन मानी हमारे जिस्म के, स्पिरिट, रूहुल अमीन और वही। कहो ये रूह मेरे हुक्म, मेरे रब के हुक्म से आती है मगर तुम लोग इल्म से कम ही बहरा पाते हो, और हम चाहें तो वो सब तुमसे छीन ले जो हमने वही के जरिए तुम्हें अता किया, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हमायती ना पाओ जो उसे वापस ला के दे सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है, हकीकत यह है कि उसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज लाने की कोशिश भी करेंगे ना तो नहीं ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर अक्सर इनकार ही पर जमे रहते हैं। उन्होंने कहा हम तेरी बात नहीं मानेंगे जब तक तू हमारे लिए ज़मीन को फाड़ के चश्मा जारी ना कर दे। अजीब अजीब मुतालिबे थे ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पिछले नबियों की तरह किए जाते थे, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू उसमें नहरें रवा कर दे, या तू आसमान के टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसे तेरा दावा है, या खुदा और फरिश्तों को रूबरू हमारे सामने ले आ, या तेरे लिए एक सोने का घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन नहीं करेंगे जब तक तू हमारे ऊपर एक तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ लें। इनसे कहो पाक है मेरा परवरदिगार, मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और कुछ भी नहीं। लोगों के सामने जब कभी हदायत आई तो उस पर ईमान लाने से उनको किसी चीज ने नहीं रोका मगर उनके इसी कॉल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बना दिया। उनसे कहो अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते ना तो हम जरूरी आसमान से किसी फरिश्ते को उनके लिए पैगंबर बना भेजते। इनसे कहो मेरे और तुम्हारे दरमियान बस अल्लाह की गवाही काफी है, वो अपने बंदों के हाल से बाखबर है और वो सब कुछ देख रहा है। जिसको अल्लाह हदायत दे वही हदायत पाने वाला है, जिसे वो गुमराह कर दे तो उसके सिवा कोई हामी और नासिर नहीं। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्तन वाइज़ना मिन शुरूरि अन्फुसिना। इन लोगों को हम क़यामत के रोज़ ऊंधे मुंह खींच लाएंगे, अंधे गूंगे बहरे उनका ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा वफ़ी समई नूरा वफ़ी बसरी नूरा। जब कभी उसकी आग अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार उसकी आग धीमी होने लगेगी हम उसे और भड़का देंगे। अल्लाह इस आग से हमें, हमारे अहले खाना को, हमारी खाल को, हमारी गोश्त को, हमारी हड्डियों को बचा लेना। ये बदला है उनकी इस हरकत का, क्यों कि वो हमारी आयात का इनकार करते थे और कहते थे क्या जब हम सिर्फ हड्डियां और खाक होके रह जाएंगे तो नए सिरे से हमें पैदा करके उठाया जाएगा। क्या उन्हें ये सूझ नहीं रहा था कि जिस खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया है वो इन जैसों को पैदा करने की जरूरी कुदरत रखता है, उसने उनके लिए हशर के एक वक्त मुकर्रर कर दिया है जिसका आना यकीनी है मगर जालिमों को इसरार है कि वो उसका इनकार ही कर रहे हैं। उनसे कहो अगर मेरे रब की रहमत के ख़जाने तुम्हारे कब्जे में होते तो तुम खर्च होने के अंदेशे से ज़रूरी उन्हें रोक लेते। वाकई इंसान बड़ा तंगदिल वाक़िया हुआ है।
हमने तो मूसा को निशानियां अता की जो सरी तौर पर दिखाई दे रही थी। अब ये तुम खुद बनी इसराइल से पूछ लो कि जब वो सामने आई तो फिरौन ने यही कहा था ना कि ए मूसा, मैं तो समझता हूँ कि तू जरूर इस सहरजदा आदमी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, मैं खूब जानता हूँ ये बसीरत अफरोज निशानियां रब्बुस समावात वल अर्द के सिवा किसी ने नाजिल नहीं की हैं, और मेरा ये ख्याल है कि फिरौन तू जरूरी एक शामत जदा आदमी है। आखिरकार फिरौन ने इरादा किया कि मूसा और बनी इसराइल को जमीन से उखाड़ फेंके, मगर हमने उसको और उसके साथियों को उठाकर गर्क कर दिया, और उसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब तुम बसो, फिर जब आखरत का वादे का वक्त आएगा तो हम सबको एक साथ ला हाजिर करेंगे। इस कुरान को हमने हक के साथ नाजिल किया है और हक ही के साथ नाजिल हुआ है। اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه। और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें हमने इसके सिवा और किसी काम के लिए नहीं भेजा कि जो इस कुरान को मान ले उसे खुशखबरी दे दो। किसकी? जन्नत की, आसान हिसाब की, रब की रजा और रहमत की। और जो ना माने उसे मुतनब्बे कर दो। किस से? जहन्नम की भड़काई जाने वाली आग की। और इस कुरान को हमने थोड़ा थोड़ा करके नाजिल किया है ताकि तुम ठहर ठहर के लोगों को सुना दो, और इसे हमने मौका ब मौका बतदरीज उतारा है। इन लोगों से कह दो, तुम इसे मानो या ना मानो, जिन लोगों को इससे पहले इल्म दिया गया था जब उन्हें सुनाया जाता है तो मुंह के बल सजदे में गिर जाते हैं और पुकार उठते हैं, पाक है हमारा रब, उसका वादा तो पूरा होना ही था, और वो मुंह के बल रोते हुए गिर जाते हैं और उसे सुन के उनका खुशू और बढ़ जाता है। आयत सजदा है। इनसे कहो, अल्लाह पुकार के कहो या रहमान कहकर, जिस नाम से भी पुकारोगे उसके लिए सभी नाम अच्छे हैं। और अपनी नमाज ना बहुत ज्यादा बुलंद आवाज में पढ़ो और ना बहुत ज्यादा पस्त आवाज से, इन दोनों के दरमियान औसत सा, दरमियाना सा दर्जा इख्तियार करो। और क्या कहो? कहो अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ उस खुदा के लिए है जिसने ना किसी को बेटा बनाया और ना कोई बादशाही में उसका शरीक है, और ना वो आजिज है कि कोई उसका पुश्तिबान हो। और उसकी बड़ाई बयान करो। कैसी बड़ाई? वकब्बिरहु तकबीरा। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आखिरी आयत में अल्लाह सुबहाना ताला ने नमाज के पढ़ने का तरीका बताया है कि ना नमाज में अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा रखो और ना बहुत पस्त रखो, यानी दरमियाने दर्जे की आवाज़ रखो। एक तो बात वही है कि ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह सुबहाना ताला क्या पसंद करता है? दरमियाना रवि, मियाना रवि, एक्सट्रीमिज़म जो है वो दोनों चीज़ों में पसंदीदा नहीं है। मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, इस्लाम एक्सट्रीमिज़म नहीं सिखाता और ना ही कुरान एक्सट्रीमिस्ट पैदा करता है। इस आयत के पीछे वो एक वाक्या भी इससे मिलता जुलता आता है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा दो अपने बड़े ही प्यारे सहाबा इकराम हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना नमाज़ पढ़ते हुए देखा, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हुए देखा। और हमें पता चलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत आहिस्ता, आपको पता है ना, धीमे मिजाज के और नरम तबीयत के थे, तो वो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही सॉफ्ट तरीके से नमाज़ पढ़ रहे थे। और हज़रत अबू बकर हज़रत उमर चूँकि ज़रा एग्रेसिव तबीयत के थे, दबंग मिजाज के थे, तो हज़रत अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह ताला ऊँची आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने ये देखा, और सुबह जब उन सहाबा इकराम से मुलाकात हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को मुखातिब होकर उनकी नमाज की कैफियतों की वजह पूछी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नमाज आहिस्ता इसलिए पढ़ रहा था कि हमें पता चलता है कि अल्लाह हमारी शहरग से ज्यादा करीब है, तो फिर मुझे ऊंचा पढ़ने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने दो वजूहात बताईं। उन्होंने कहा, एक तो मैं ऊंची आवाज़ में इसलिए पढ़ रहा था कि मैं सोएबों को भी जगाना चाहता था, और दूसरे मैं इसलिए पढ़ रहा था कि मैं शैतान को भगाना चाहता था। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो दरमियाना रवि का तरीका सिखाया, ये युज़की ही में ना आप सहाबा इकराम की तरबियत करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू बकर आप अपनी आवाज़ को ज़रा ऊंचा कर लें, और उमर आप अपनी आवाज़ को ज़रा सा पस्त कर लें। और ये भी याद रखिएगा कि नमाज जब हम पढ़ते हैं तो इस आयत और वाक्य से पता चलता है कि नमाज सिर्फ दिल में नहीं पढ़नी,
बहुत से लोग आपने देखा होगा कि जब नमाज पढ़ते हैं ना तो बस सिर्फ दिल ही में पढ़ते हैं, और मैं तो कई दफा ये कहती भी हूँ कि बस वो तकबीर कहते हैं और अपनी नमाज को ऑटो पे लगा देते हैं और ऑन कर देते हैं, और दिल खुद ब खुद पढ़ता रहता है, और दिमाग जो है वो खाली है, निगाहें भी खाली हैं सारी दुनिया के हिसाब किताब और सोचें सोचने के लिए। नहीं, जब नमाज पढ़नी है तो दिल भी पढ़ेगा, जबान भी हरकत करेगी, लेकिन सिर्फ जबान हरकत नहीं करेगी, इतनी आवाज़ होगी कि कानों में भी आए। और मैं इंशाल्लाह सूरह मोमिनून में भी बात होगी खुशू के हवाले से, ये जब हल्की सी आवाज़ से पढ़ी जाती है तो पता है क्या होता है, हमारे जिस्म के 3 आज़ा गोया पूरी बॉडी के ऊपर नमाज का असर होता है। दिल पढ़ रहा होता है, जबान अदा कर रही होती है, और जबान की आवाज़ को कान सुन भी रहे होते हैं। तो लिहाजा निगाह हमारी एक जगह पर होती है, और निगाह और कान जो दिल की दो खिड़कियाँ हैं, दोनों जब नमाज के साथ जुड़ी होती हैं तो नमाज में खुशू और खुजू और कॉन्सेंट्रेशन का इम्कान ज़्यादा और शैतान के वसवसों का इम्कान कम रह जाता है। ये कुरान का एक बताया हुआ तरीका है, अल्लाह इस तरीके को अपनाने और अपनी नमाजों में हुसन पैदा करने की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें नमाजों में खुशू और खुजू अता फरमा दे, हमारी नमाजों में हुसन पैदा फरमा दे, और अल्लाह नमाजों के साथ हमारा दिल लग जाए, हमें नमाजों में लुत्फ आने लगे, और अल्लाह हम सबको और हमारी जुरियत को नमाजें कायम करने की तौफीक अता फरमा दे। सदकुल्लाहुल अजीम। हाँ जी, अब अगली सूरत खोल लीजिए, सूरा अल कहफ, मक्की सूरत है, 12 रकुआत, 110 आयात, तरतीब के एतबार से 18वें नंबर पर, और नजूली एतबार से ये मक्की दौर के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरत है। इसका नाम इस हवाले से है कि पहली रकू की 9वीं आयत में असहाबुल कहफ का तज़करा है, तो उनके किस्से के हवाले से सूरत को सूरह अल कहफ कहा जाता है। और अगर इसके पीछे जो वाक़या है अगर आप उसको रिलेट करें तो ये मक्का का आखिरी दौर है, और मुशरिकीन मक्का जो हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मान नहीं रहे, ना ईमान ला रहे हैं, ना आखरत के अकीदे ना तौहीद के अकीदे को मान रहे हैं, और पूरी ज़िद्द और ढिटाई और तकब्बुर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत पर जमे और डटे हुए हैं। और उस मुखालिफत ही का एक तरीक़ाकार जो है वो जो पहले भी अपना चुके थे, अपनी मनफी सोच और अपनी मनफी सरगर्मियों में उनका एक तरीक़ाकार ये था कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा साबित करने के लिए कोशिश और प्लानिंग ये करते थे, क्योंकि ख़ुद तो ये अनपढ़ और इलिटरेट और जाहिल लोग थे, तो ये अपने दौर के यहूद और नसारा यानी पीपल ऑफ द बुक और अहले किताब के पास जाते थे और उनसे कहते थे कि तुम अपनी इल्हामी किताबों जिनके अंदर कुछ बहुत सी तारीख के रुदादे मौजूद हैं वहाँ से हमें कुछ सवाल बता दो, और उनसे सवाल सीख कर आते थे, और फिर वो सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस गर्ज और इस मकसद और नीयत से करते थे कि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, उन्होंने कोई किताबें नहीं पढ़ी, उनके पास पिछली तारीखी वाक़ियात का लिहाजा कोई इल्म नहीं है, जब हम उनसे ये इल्मी सवाल करेंगे और वो उन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे तो नाउज़ बिल्ला वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की सदाकत जो है वो झूठा साबित करने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये एक मनफी सी साजिश थी। सूरह यूसुफ के नजूल से पहले भी इन्होंने हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत याकूब ये तो फ़लस्तीन की बस्ती में थे, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर मिस्र कैसे पहुंच गए? तो वो इनके सवाल का जवाब भी सूरह यूसुफ अहसन अल कसस की शक्ल में, एक सिंगल सूरत की शक्ल में इनके सवाल का जवाब भी दिया गया, इनको झंझोड़ा भी गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथियों को तसल्ली भी दी गई, और उनको बरादरा ने यूसुफ का चेहरा दिखा के उनका चेहरा दिखाना और उनको झंझोड़ने और अंजाम से मुतनब्बे भी किया गया। तो सिमिलरली इस मौके पर सूरह कहफ से पहले भी उन्होंने 3 सवाल किए थे, और ये 3 सवालों में से पहला सवाल यह था कि असहाबुल कहफ कौन थे, वो गार वाले लोग जो थे वो कौन थे, फिर हज़रत खिजर की क्या हकीकत थी, और ज़ुल्करनैन का क्या वाक़या था। अब ये जब 3 सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी तरफ से मौसूल हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बशरी कमी का एक मामला हुआ, और आपने भूल चूक से ये कह दिया कि मैं तुम्हें कल बताऊँगा, और आप इंशाल्लाह कहना भूल गए। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुछ देर के लिए वही का सिलसिला रोका,
फिर सूरह कहफ नाजिल की। इन तीनों सवालों के जवाब भी दिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सूरह अल कहफ ही में ताकीद कर दी कि आइंदा कभी इंशाल्लाह कहे बगैर मुस्तकबिल का काम मत कहिएगा। सूरह कहफ में फिर इन सवालों के जवाब दे दिए गए और उनको लाजवाब कर दिया गया, और इसके ज़रिए वो जो ईमान बिल आखरा में कमी और कुताही थी उसकी भी तसहीह करने के लिए एक बड़ी जामे तरीके से ये सूरत नाजिल कर दी गई। सूरह कहफ एक बहुत अफजल सूरत है और इसकी फजीलत के लिए मुतफरिक अहादीस मौजूद हैं। मुस्लिम और अबू दाऊद में हदीस के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली तीन और आखिरी तीन आयात को तलावत करेगा वो फितनाए दज्जाल से महफूज रहेगा। कुछ रवायात में पहली दस और आखिरी दस का भी तस्करा मौजूद है। इसी तरह हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की रवायत से एक हदीस है कि जो शख्स जुम्मे के दिन सूरह अल कहफ की तलावत करेगा उसके लिए नूर होगा, जमीन से लेके आसमान तक नूर होगा जो कयामत के दिन तक रहेगा। इसी तरह एक और सही हदीस के अल्फाज है कि जो जुम्मे को सूरह अल कहफ की तलावत करेगा उसके लिए एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे तक नूर रहेगा। और मिलते जुलते अल्फाज एक और हदीस के हैं कि जो शख्स सूरह अल कहफ को ऐसे तलावत करेगा जैसे इसको नाजिल किया गया है तो उसके लिए कयामत के दिन नूर होगा। तो कयामत के दिन नूर की सबसे ज्यादा जरूरत जो है वो पुल सिरात पर होगी, और उनके लिए वो जो दुआ है ना, रब्बना अतमिम लना नूराना वग़फिर लना, तो ये वो नूर है जो सूरह कहफ जिसका जरिया बनेगी। इसकी फजीलत है कि ये नूर नूर ईमान और नूर हदायत, नूर बसीरत, नूर बसारत और नूर निजात का जरिया बनेगी। तो ये नूर और दज्जाल के फितनों से निजात की बुनियादी जो वजह है वो ये है कि सूरह अल कहफ हुब्बे दुनिया, दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की जो टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव चीज़ें हैं ना, उनकी टेम्पटेशंस को रेजिस्ट करना और दुनिया की मोहब्बतों के ऊपर एक बड़ी कारी ज़र्ब लगाती है। सूरह अल कहफ अगर दज्जाली फितने से बचाती है और यहाँ ईमान के नूर से मुनव्वर करती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ये हुब्बे दुनिया पर एक बहुत इफ़ेक्टिव और कारी ज़र्ब लगाती है, और हुब्बे दुनिया से बचने के बाद ही इंसान के लिए ये दोनों चीज़ें मुमकिन होती हैं। अगर मैं आपको सूरह अल कहफ का बुनियादी मज़मून बताऊँ तो ये दुनिया की मोहब्बत को कैसे निकालती है, असल में हुब्बे दुनिया और फ़िक्र आखरत के हवाले से नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अहदीस का ख़जाना मौजूद है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि ये दुनिया अल्लाह सुबहाना ताला के नज़दीक एक मक्खी या मच्छर के पर से भी ज़्यादा हकीर है। हम जिसे कितना अहम समझते हैं और हम जिसके लिए अपने तन मन धन औकात सलाहियतें सारी खपाते चले जा रहे हैं, लुटाते उढ़ाते चले जा रहे हैं, अल्लाह के नज़दीक ये मक्खी और मच्छर के पर से भी ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट और हकीर है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र पे थे तो एक मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था, तो आपने उसकी तरफ इशारा करके फरमाया कि जितना ये मुर्दा बकरी का बच्चा अपने मालिक के नज़दीक गैर अहम है, यानी मालिक को क्या ज़रूरत है मुर्दा बकरी के बच्चे की, ना उसे गोश्त मिलेगा, ना खाल मिलेगा, ना ऊन मिलेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो जितना गैर अहम ये मुर्दा बकरी का बच्चा अपने मालिक के नज़दीक है उससे बहुत ज़्यादा कम अहम ये दुनिया आखरत के मुकाबले में अल्लाह के नज़दीक है। और वो एक दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी का तकाबला और कंपैरिजन एक हदीस में बड़ी खूबसूरत अल्फाज में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से कोई एक शख्स समुंदर में उंगली डुबो के निकालता है, जब तुम में से कोई शख्स एक समुंदर में उंगली डुबो के निकालता है तो जो पानी उसकी उंगली पर लगता है, जो इसकी मिसाल समुंदर के मुकाबले में है, वही मिसाल दुनिया की आखिरत के मुकाबले में है। लेकिन इंसान कितना जल्दबाज है ना कि हम ये उंगली पर लगे हुए हकीर से पानी की कुछ बूंदों को अपनी कुल समझते हैं और अपना कुल लगा भी देते हैं, और वो जो बहरे बेकराम वो समुंदर आखरत में अल्लाह की रहमत का है उसको हम भुला भी देते हैं, बस पुश्त फेंक भी देते हैं और उसको हम इग्नोर भी कर देते हैं। अल्लाह हमें अपनी तरजीहात को दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स अपनी
पैदाइश के वक्त से लेके अपनी मौत के वक्त तक भी सजदे में रहेगा, तो भी वो कयामत के दिन अपनी इस इबादत और इस हालत को हकीर समझेगा। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दुनिया और आखरत का जो तकाबला और यहाँ की तकलीफ़ें और वहाँ की तकलीफ़ें और यहाँ की खुशियाँ और वहाँ की खुशियाँ, इनका कंपैरिजन वो एक तवील हदीस में आता है कि आप, क्योंकि तवील हदीस है इसलिए मैं आपको ना उसका मफहूम बता रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो दुनिया की अपनी सारी ज़िंदगी में नेमतों से माला माल रहा, यानी बहुत ब्लेस्ड है, नेमतों से माला माल रहा और उसे किसी कभी किसी तकलीफ ने छुआ भी नहीं, जब उसे जहन्नुम के पहले गौज़ में एक ही गोता देकर निकालने के बाद पूछा जाएगा ना, बता तू किस हाल में रहा, तो वो कहेगा मुझे तो कभी किसी नेमत ने छुआ ही नहीं। ये दुनिया की नेमतें हैं, ये दुनिया की राहतें हैं जिनके पीछे इंसान बावला और पागल होके वहां की सजाओं को भूल जाता है, ऐश में यादें खुदा भूल जाता है। ये सारी की सारी ऐशें वो जहन्नुम के पहले गोते से निकल जाएंगी और वो कहेगा मुझे तो दुनिया में मिला ही कुछ नहीं था। और फिर इसके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जो दुनिया में सारी जिंदगी तकलीफों और दुश्वारियों में रहा, नेमतों से महरूम रहा और इसे किसी नेमत और राहत नहीं छुआ, यहां तक कि हदीस के अल्फाज आते हैं कि वो कुलों के बल घिसट के जिंदगी गुजारता रहा, यानी इतना महरूम और इतना मजबूर और इतना नेमतों से महरूम था, जब उसे जन्नत के पहले हौज में पहला गोता देकर पूछा जाएगा बताओ तुम किस हाल में रखे, तो वो कहेगा मुझे तो किसी तकलीफ ने कभी छुआ ही नहीं था। ये दुनिया के गम है, ये दुनिया की तकलीफें हैं, ये यहाँ के मुश्किलात हैं जिन पे हम इतना पैनिक हो जाते हैं, इतने अपसेट और इतने टेंस हो जाते हैं और इतने हो जाते हैं कि उसमें फिक्र आखरत को भुला के रख देते हैं, हम यहाँ के फिक्रों में आके गम आखरत को भुला देते हैं। ये वहां के गमों का हाल और ये दुनिया के गमों की हकीकत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपने पूछा कि सियाना और अक्लमंद कौन है, होशमंद कौन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ही फरमाया कि सियाना और समझदार वो है जो मौत को याद करता है और मौत के बाद की तैयारी करता है। तो यही वो मजमून और समरी है बुनियादी तौर पर सूरह अल-कहफ का, कि अगर मैं आपको खलासा अब पढ़ने से पहले बता दूँ, ये सारे वाक़यात लुबे लुबाब और खलासा हमें बार बार यही बताएंगे कि सूरह अल-कहफ दिल में से दुनिया की मोहब्बत निकालती है। वो दुनिया की महबूब चीज़ें जो सूरह अल इमरान में अल्लाह ने फरमाया ना, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहावाति मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीरिल मुकंतरति मिनज़ ज़हबि वल फिज़्ज़ति वल खैरिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, सोने चांदी माल जायदादें घर सिवारियाँ बीवी बच्चे, ये जो दुनिया की अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग और निगाहों को खीरा कर देने वाली चीज़ें हैं ना, इन तमाम चीज़ों की मोहब्बतों को ये सूरह अल-कहफ का पढ़ना दिलों को इससे खाली करता है। फिर दूसरी सतह पर सूरह अल-कहफ दुनिया के जो गम हैं, दुनिया की जो परेशानियां हैं, दुनिया की जो मुश्किलात हैं, उनकी हिकमतें समझाता है, उनको हैंडल करने का तरीका सिखाता है और उनसे बेगम और बेफिक्र होने की ज़िंदगी पर वापस लाता है। ये दो काम करने के बाद, दुनिया की मोहब्बत निकालने, यहाँ के गमों को हैंडल करने और इनमें सब्र शुक्र की तरफ मायल होने के बाद, फिर दिल के अंदर फिक्र आखरत, गम आखरत जैसे बड़े खूबसूरत जज्बात डालता है। और फिर चौथी सतह पर गम आखरत और फिक्र आखरत डालने के बाद, ये दुनिया की महबूब चीज़ों को उस फिक्र आखरत में जन्नत के हसूल और जहन्नुम से निजात के लिए खर्च करने और पेश करने की तरफ मायल करता है। ये चार मरहले हैं जो सूरह अल-कहफ हमें वाज़े तौर पर सिखाती है। दुनिया की महबूब चीज़ों की मोहब्बत को खारिज करती है, यहाँ के गमों और परेशानियों से गनी और बेफिक्र करती है, इनको हैंडल करने का तरीका सिखाती है, और फिर गम आखरत से आशना करके दुनिया की मोहब्बत वाली चीज़ों को गम आखरत के लिए पेश और खर्च करने के लिए हमें माइल और कायल करती है। ये बुनियादी मजमून है। सूरह अल-कहफ हमें सिखाएगी, हमें बताएगी कि फिक्र करनी है तो यहाँ के लिबासों और कोठियों और जायदादों की नहीं, फिक्र करनी है तो शिर्क और कुफर और फिस्क और फजूर से बचने की करो, फिक्र करनी है तो अपने ईमान की सलामती और बका और इजाफे की करो, फिक्र करनी है तो अपने अमाल सवालिया के इजाफे की करो, फिक्र करनी है तो अपने ईमान की अपने अमल की साबित कदमी की करो, फिक्र करनी है तो अपने अमाल की कबूलियत की और अपने अमाल की हिफाजत की करो।
फिकर करनी है तो यहां के घरों की नहीं, फिकर करनी है तो अपने मौत के वक्त की आसानी की करो, फिकर करनी है तो अपने कब्र की कुशादगी और वहां की रोशनी की करो, हशर के दिन की करो, पुल सिरात की करो, हिसाब किताब की करो, फिकर करनी है तो उस वक्त की करो जब अकेले अल्लाह के हजूर हाजिर होगे, अमालनामे खुलेंगे तुलेंगे, फिकर करनी है तो जहन्नुम की निजात की करो और जन्नत के हसूल की करो। ये है वो मोहब्बतों और गमों का पैमाना जो हमें सूरा कहफ सिखाएगी। अल्लाह हमें समझने समझाने और अपनी जिंदगी की तरजीहात को इसके रूह से बदलने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदे पर यह किताब नाजिल की है और इसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, ठीक ठीक सीधी बात करने वाली किताब, ताकि वो लोगों को खुदा के सख्त अजाब से खबरदार कर दे और ईमान लाकर नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दे कि उनके लिए अच्छा अजर है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, और उन लोगों को डरा दे, मुतनब्बे कर दे जो कहते हैं कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। इस बात का ना उन्हें कोई इल्म है और ना ही उनके बाप दादा को। बड़ी बात है जो उनके मुंहों से निकलती है, वो महज झूठ बकते हैं। अच्छा तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद तुम उनके पीछे गम के मारे अपनी जान खो देने वाले हो अगर ये उस तालीम पर ईमान ना लाए। वाकया ये है कि जो कुछ सरो सामान भी ज़मीन पर है उसको हमने ज़मीन की जीनत बनाया है ताकि इन लोगों को आजमाएं और इन में से कौन बेहतर अमल करने वाला है। आखिरकार इस सब को, किसको, दुनिया को हम चट्टियल मैदान बना देने वाले हैं। अल्लाह सुभाना ताला ने यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिक्र का पैमाना बताया है, क्योंकि इसने हमारे गमों और फिक्रों के पैमाने ही की तो इसलाह करनी है। फिक्र का पैमाना ये बताया है कि आपके गम जिसमें आप अपनी जान घुलाते नजर आते हैं, गम और फिक्रत का पैमाना ये है कि सिर्फ आप अपनी आखरत नहीं, अपने अपनी कौम, अपने माशरे और अपने कबीले वालों की आखरत की भी फिक्र में घुलते चले जा रहे हैं। ये गम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गम, आज हम अपने माशरे में लोगों के गमों और फिक्रों के पैमाने देखें तो हाल क्या है। गमेश्क अगर ना होता, गमे रोज़गार होता। जवानी में गमे इश्क और फिर शादी निकाह के बाद गमे रोज़गार, यही जिंदगी है ना। दो दिन मांग के लाए थे उधार के, दो चार दिन जिंदगी के मांग के लाए थे उधार में, दो आरजू में कट गए दो इंतज़ार में, यही गम है और यही हाजतें हैं और यही तमन्नाएं। अल्लाह सुभाना ताला हमें ये दुनिया की ज़िंदगी के छोटे छोटे आरजी और हकीर गमों से अब गनी करके अल्लाह बड़े गमों से आशना कर दे। अल्लाह फिक्र आखरत हम सबको अता कर दे। क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले, क्या तुम समझते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी निशानियों में से कोई अजीब निशानियों में से थे? याद रखिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि ये फ़र्क फ़र्क लोग थे, ये फ़र्क फ़र्क लोग नहीं थे, ये कुछ एक नौजवान थे जो गार में पना गजीन हुए थे, इसलिए उनको असाबुल कहफ कहा जाता है। कहफ का मतलब गार होता है। और फिर चूंकि ये अपनी स्टेट के और अपने हुक्मरानों के दीनी लिहाज से बगावत कर रहे थे इस्लाम पर जम के, तो ये मोस्ट वांटेड इंडिविजुअल्स थे और इनके नामों के और इनकी तस्वीरों के कुतबे शहरों के गली कूचों में लगे हुए थे, तो लिहाजा ये एक ही अफराद थे, ये फ़र्क फ़र्क लोग नहीं हैं। जब वो चंद नौजवान गार में पना गजीन हुए और उन्होंने कहा कि ए परवरदिगार, हमको अपनी ख़ास रहमत से नवाज और हमारा मामला दुरुस्त कर दे, तो हमने उन्हें उसी गार में थपक कर साला साल के लिए गहरी नींद सुला दिया, फिर हमने उन्हें उठाया ताकि देखें कि इन दोनों ग्रोहों में से कौन अपनी मुद्दत क़याम का ठीक शुमार करता है। अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पर अब असाबे कहाब की स्टोरी सुनाते हुए फरमाया, हम तुम्हें उनका ना असल किस्सा सुनाते हैं। वो चंद नौजवान थे,
ये किस्सा आप किस वक्त का है? असल में ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 250 साल बाद का ये किस्सा है, और डीसीएस हुकमरान था, और 249 टू 251 एडी का ये पीरियड है। डीसीएस वो दकियानूस जिसे कहते हैं ना, ये हकीकत में वो दकियानूस था, और ये वो था जो मुशरिक था, रूमी मुशरिक हुकमरान था, और चूँकि ये मुशरिक और काफिर था और ये तौहीद परस्त नहीं था, तो उस ज़माने में जो लोग ईसाई थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाकर वो मुसलमान थे और वो तौहीद परस्त थे, ये इनको तौहीद से रोकता था और उनको ईसाइयत से पलटने और बदलने के लिए कोशिशें करता था और सजाएं देता था। तो उस दौर में ये मुख्तलिफ इलाकों, घरानों और बस्तियों के रूमी रियासत के अंदर ये कुछ नौजवान थे। दे बिलोंग टू टोटली डिफरेंट एरियाज एंड टोटली डिफरेंट फैमिलीज, ये एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन ये अपने ईमान पर जमे और डटे हुए थे, और अपने ईमान की हिफाजत उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी फिक्र और सबसे बड़ी तरजीह थी। अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म से अल्लाह ने इन लाइक माइंडेड को मिला दिया, ये इकट्ठे हुए, और जब फिर स्टेट ने इनको मार पीट और इनको मजबूर और इनके खिलाफ जबर का मामला किया, तो फिर ये पनागजीन हो गए। इनका आप किस्सा पढ़ेंगे तो इस किस्से में जो बुनियादी पैगाम हमें सूरा कहफ के इस पहले किस्से में मिलेगा कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपने ईमान को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाया था। वला यखाफूना लौमता लायम करते हुए अपने ईमान का ऐलान भी किया था, साबित कदमी से डटे भी थे। ईमान की बका फिक्र आखरत इनके दिलों में सबसे गालिब था, और उस फिक्र आखरत के गालिब होने की वजह से अपने ईमान की सलामती की फिक्र में आके इन्होंने दुनिया की तमाम महबूब चीज़ों को ठुकरा दिया था। अपना घर बार जायदाद माल अहले खाना बरादरी बस्ती सबको खैर आबाद कह गए थे, दुनिया की मोहब्बतों की परवाह नहीं की थी, दुनिया की मोहब्बतों को छोड़ गए थे, धन की देवी को ठुकरा गए थे, और फिक्र इनको दुनिया की फिक्र नहीं थी, दुनिया की मारपीट की, दुनिया की माली तंगों की, यहाँ की माली माशी समाजी रूहानी किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी, फिक्र थी तो आखरत की फिक्र थी। ये वो पैमाना है जो हमें इनका वाक्या सुनाएगा, और बस आखरत की विकर से सरशार होके, यहाँ के गमों और यहाँ की मोहब्बतों से बेपरवाह और गनी होके फिर ये गार में पना गजीन हो गए थे। जब इतनी इस्तकामत और फिक्रों और मोहब्बतों के पैमाने को इतना दुरुस्त किया, तो फिर अल्लाह की मदद कैसे आई वो ये रुदात बताएगी। अल्लाह सुबहाना ताला फरमाते हैं, वो चंद नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे। जवानी में ईमान बड़ी बात होती है, जवानी में ईमान, वो जो कहा गया ना, गर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, ये नौजवान थे जो ईमान लाए थे। अब वैसे भी हमें मुख्तलिफ अहादीस में पता चलता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के अर्श के साए में भी जो साथ खुश नसीब होंगे उनमें से एक नौजवान होगा जो खूबसूरत और फाहिशा औरत को बदकारी की दावत पर इनकार करेगा, और फिर वो जो जवानी में इबादत करता था। तो जवानी में ईमान लाना बड़ी बात है, और वैसे भी क़यामत के दिन जो पहला सवाल होगा वो यही तो होगा, जवानी कैसे गुजारी थी। तो ये वो खुश नसीब थे जो जवानी में ईमान लाए थे, और जब इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया तो अल्लाह ने क्या किया, हमने उनको हदायत में तरक्की बख्शी, हमने उनके दिल मजबूत कर दिए। वो उठे और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारा रब तो बस वही है जो आसमानों और ज़मीनों का रब है, और हम उसको छोड़कर किसी दूसरे को माबूद नहीं पुकारेंगे, और अगर हम ऐसा करेंगे तो बिल्कुल बेजा बात करेंगे। फिर उन्होंने आपस में एक दूसरे से कहा, अल्लाह ने करम करके ना लाइक माइंडेड लोगों को मिला भी दिया, ये कौम तो रब कायनात को छोड़कर दूसरे खुदाई बना बैठी है, ये लोग उन माबूदों पर कोई वाज़े दलील क्यों नहीं लाते, आखिर उस शख्स से बढ़ के जालिम और कौन हो सकता है जो अल्लाह पर झूठ बांध देगा। अब जबकि तुम इनसे और इनके माबूदाने गैर अल्लाह से बेताल्लुक हो चुके हो, तो चलो अब फला गार में चलकर पना लो। ये रहबानियत का और तरके दुनिया का तसव्वुर नहीं है, ये अपने जान मान ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए वहां गए थे। तुम्हारा रब तुम्हें अपनी दामने रहमत में वसी कर देगा और तुम्हारे लिए सरोसामान मुहैया करेगा। याद रखिएगा, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है ना, फिर अल्लाह उसकी मदद भी करता है। अब देख लीजिए, जब इन्होंने दुनिया की मोहब्बतों को और दुनिया के गमों से बेफिक्र होकर फिक्र आखरत को गालिब फिक्र बनाकर साबित कदमी से ईमान पर जड़ते थे, तो अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने हदायत दी, अल्लाह ने साबित कदमी दी, अल्लाह ने लाइक माइंड्स को मिलाया, अल्लाह ने इनको ठिकाना दिया। ठिकाना कैसे दिया, हाँ तुम गार में देखते तो यूँ नज़र आता कि सूरज जब निकलता है ना तो उनके गार को छोड़कर दाई जानिब से चढ़ जाता है,
और जब गरूब होता तो उसे बचकर बाई जानिब से उतर जाता। शायद शुमाल की तरफ गार का दाना था, ना सूरज के तलू होते हुए धूप आती थी, ना गरूब होते हुए धूप आती थी। असल बात क्या है, अल्लाह सुबहाना ताला ने अपने इन महबूबों को ठिकाना ऐसे दे दिया कि उसको गर्मी की हिद्दत, गर्मी, सर्दी, धूप, छाँव सबसे बचा के बेहतरीन बंदोबस्त कर दिया। अल्लाह इन्नल्लाह मा साबरीन करके ऐसे ही मदद करता है। फिर क्या किया, क्या छोटी सी जगह दे दी? नहीं नहीं, और वो गार में एक वसी जगह में पड़े थे। ये अल्लाह की निशानियों में से एक है, जिसे हदायत अल्लाह दे वही हदायत पाने वाला है, और जिसे अल्लाह भटका दे उसके लिए तुम कोई वली मुर्शद पा ही नहीं सकते। तुम इन्हें देखकर समझते कि वो जाग रहे हैं, हालांकि वो तो सो रहे थे। हम उन्हें दाएँ बाएँ करवट दिलवाते रहते थे और उनका कुत्ता गार के दाने हाथ फैलाए बैठा था। अगर तुम उन्हें झाँक कर देखते तो उल्टे भाग खड़े होते और तुम पर उनके नजारे से दहशत बैठ जाती। अल्लाह सुभाना ताला ने अब एक तो उनको हिफाजत की, एक धूप छाओं से कुशादा जगह ठिकाना दे दिया, और फिर जब वो सो गए अल्लाह ने उनको सकीना भी दे दिया, और सो गए तो उनको करवटें बदलाया जाता, अल्लाह के हुक्म से उनकी करवटें बदली जाती थी। क्यों बदली जाती थी? दो वजूहात में तफसीर में पता चलती है। एक तो ये कि आपको पता है कि जब कोई शख्स सोया हुआ या कोई फालिद ज़दा या कोई बीमार या मरीज एक ही करवट पर अगर लेटा रहता है तो क्या होता है, बेड सोर्स हो जाते हैं, है ना, और वो स्किन और वो खाल और वो जिस्म जो है वो गलने लगता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने फिर क्या किया, अल्लाह ने उनके जिस्म, उनके गोश्त, उनकी खाल, उनकी हड्डियों तक की भी हिफाजत का बंदोबस्त कर लिया। और फिर उनको करवटें इसलिए भी बदलाई जाती थी, वो पुराना ज़माना था, राहजनियाँ डकैतियाँ होती थी, अगर ये गार में बेसुध पड़े हुए होते तो कोई डाकू इनको सोया हुआ और मरा हुआ और बेहोश समझकर डाकू इनको लूट के ले जाता। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म से सोए वो की करवटें इसलिए बदली जाती थी कि कोई देखने वाला देखे तो लगे कि ये जाग रहे हैं और अभी चुकन्ने हैं। तो गोया अल्लाह ने उनके सामान, उनके बंदोबस्त और सब की हिफाजत की, और एक मुहाफिज जो है उस कुत्ते की शक्ल में भी अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया। याद रखिएगा हदीस के अल्फाज हैं कि तीन लोगों की मदद का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, उनमें से पहला कौन है, मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। इसी अजीब से करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि ज़रा आपस में पूछ गिछ करें। इनमें से एक ने पूछा, कहो इतनी देर इस हाल में रहे? ये क़यामत के दिन भी लोग यही सवाल करेंगे ना कि कितनी देर रहे दुनिया में। दूसरों ने शायद कहा दिन भर या उससे भी कुछ कम रहे। फिर वो बोले अल्लाह ही बेहतर जानता है, यानी जिन चीज़ों का उनको पता नहीं था ना वो बेकार बातों के अंदर फजूल में अपना वक्त और सलाहियतें याद नहीं ज़ाया नहीं करते थे। हमारा कितना वक्त इस हाल में गुजरा, चलो अब आगे चलो, प्रोडक्टिव काम करते हैं ना, फजूल लाए यानी कामों में जिसका पता ही नहीं है उसमें उलझते नहीं हैं। चलो अब किसी को चांदी का सिक्का देकर शहर में भेजो, वो देखें कि अच्छा खाना, इतनी देर के बाद सो के उठे और खाना कौन सा मांग रहे हैं, अज़का तुआमन, पाकीज़ा साफ सुथरा खाना। इनके पैमाने फ़िक्रे आखरत के, रिस्क के, हलाल और हराम के समझ और फहम है। वहाँ से वो कुछ खाने को लाए और चाहिए कि ज़रा होशियारी से काम ले, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहाँ होने की खबर कर दे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया ना तो बस संसार कर देंगे, या फिर ज़बरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाने नहीं पा सकेंगे। फिक्र का पैमाना क्या है, गम क्या है, गम माली तंगी, माशी तंगी, घर से दूरी, मोहब्बत वालों से महरूमी नहीं है। गमों का पैमाना ये है कि अगर ईमान ना रहा तो आखरत बिगड़ जाएगी, फिक्र आखरत गालिब फिक्र। इसी तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पे मुत्तले कर दिया। कैसे पता चला था शहर वालों को, जाहिर दकियानूसी किस्म के कपड़े, हकीकी तौर पर दकियानूसी डीसीएस बादशाह के दौर के कपड़े थे, और पुराने कपड़े, पुराना लिबास, पुरानी जबान, पुराना लहजा, और सबसे बढ़ के क्या, सिक्का उस ज़माने का। और फिर ये वो लोग थे कि जब ये अपने ज़माने में ये तो बागी थे ना अपनी रियासत के, तो ये मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स थे। इनकी तस्वीरें और इनके हुलिये बना के कुतुबों के ऊपर गली कूचों में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की शक्ल में लगी हुई थी। इसलिए जब 200-300 साल के बाद भी लोगों ने देखा तो उन लोगों ने पहचान लिया,
अब मुझे बताए ना जरा, 200-300 साल के बाद क्या लोग उसामा बिन लादिन की शक्ल देखकर उसको पहचान नहीं लेंगे कि ये अपने जमाने का कौन था? है ना, अमेरिका इसको टेररिस्ट कहती थी। तो बस ऐसा ही, दीन पर जमने वालों को हर दौर में दहशतगर्द और टेररिज्म ही का लेबल लगाया गया और उनको मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ही रखा गया। बहरहाल उनको पहचान लिया, और अल्लाह बता रहे कि मैंने ये सारा मौजा क्यों किया था, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि अल्लाह का वादा सच्चा है और कयामत की घड़ी आने वाली है। यानी इनको मौजजाना तरीके से मौत देने के बाद 300 साल के बाद उठाकर अगले दौर में पैदा करने का मकसद ये था कि लोगों को पता चल जाए कि जैसे अल्लाह इन साथियों को उठा सकता था, अल्लाह मुर्दों को भी कब्र से उठाएगा। फिक्र आखरत पैदा करना, जिंदगी बाद मौत का तसव्वुर रास करना, ये मकसद था। लेकिन इन जिदियों ने क्या किया? मगर जरा ख्याल करो, जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में एक बात पर झगड़ रहे थे कि असहाबे काफ के साथ क्या किया जाए। असल में पता है क्या हुआ था? जब अल्लाह के हुक्म से ये वापस दोबारा उठे थे और इन्होंने बंदा भेजा था और कौम के लोगों को पता चल गया था ये कहाँ है, तो ये भागे भागे गार में आए थे। उन्होंने नसाबुल कहफ को देखा था, और फिर जब देख लिया, अल्लाह ने उनको मुशाहिदा दिखा दिया, तो अल्लाह के हुक्म से फिर इनको मौत आ गई। तो मौत के बाद, हालांकि इनका आखिरत का ईमान बढ़ना चाहिए था, जिंदगी बाद मौत का अकीदा मजबूत होना चाहिए था, लेकिन ये फिर ला यानी मुबाहिसों में पड़ गए। उन्होंने कहा कि असहाबे काफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा इन पर दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे ना, यानी जो ज्यादा साहिब असर और इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उन्होंने कहा हम तो इस पर इबादत गाह बनाएंगे। शिर कभी भी निकला नहीं था। कब्रों के ऊपर इबादत गाह बनाना इंतहाई नापसंदीदा है, और ये एक शिर्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की लानत उन उम्मतों पर जो अपने नबियों की कब्रों पर इबादत गाहें बना लेते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम पिछली कौमों की तरह ना हो जाना जो अपनी नबियों की कब्रों पर इबादत गाहें बना लेते थे। फिर आप दुआ फरमाया करते थे, इलाही मेरी कब्र को बुत ना बनाना, यानी मेरी कब्र की पूजा पाठ और इबादत मनते मुरादे नजरे न्याजे ना चढ़ाने लग पड़े, मेरी कब्र को बुत ना बनाना। फिर आप दुआ फरमाते थे, इलाही मेरी कब्र को तहवार ना बनाना। अल्लाह हमें शिर्क से बचने और हमें तौहीद के तसव्वुर को समझने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, उन्होंने कहा जी हम तो इबादतगाह बनाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वो तीन थे, चौथा उनका कुत्ता था। कुछ दूसरे कहते हैं कि वो पांच थे, छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं। कुछ लोग और कहते हैं वो सात थे, आठवां उनका कुत्ता था। कहो मेरा रब भी ज्यादा जानता है कि वो कितने थे। कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस तुम सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस ना करो, और ना उनके मामले में किसी से पूछो। और देखो, किसी चीज के बारे में ये ना कहना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाल्लाह नहीं कहा था ना, तरबियत की जा रही है कि मैं ये काम कल करूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो उम्मीद है कि अल्लाह मेरे इस मामले में रुश से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। और वो अपने गार में 300 साल रहे, और कुछ लोग मुद्दत शुमार में 9 साल और बढ़ गए। तुम कहो अल्लाह उनके क़याम की मुद्दत ज़्यादा जानता है, आसमान और ज़मीन की सब पोशीदा अहवाल उसी को मालूम है। क्या खूब है वो और देखने वाला और सुनने वाला। जमीन और आसमान की मखलूक का कोई खबरगीर उसके सिवा नहीं, और वो अपनी हकूमत में किसी को शरीक नहीं करता। कुछ लोग 300 कहते हैं, कुछ 309 कहते हैं। कुछ की नज़र में ये कि जो कमरी कैलेंडर है ना, उसके मुताबिक 309 साल हैं, और जो शमसी कैलेंडर है उसके मुताबिक 300 साल है। वल्लाहु आलम। असल बात है कि उनकी तादाद कितनी थी, साल कितने थे, ये तो इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। उनका रवैया क्या था, कैसे उन्होंने दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की फ़िक्रों से गनी होकर आखिरत की फ़िक्र को गालिब फ़िक्र बनाया था, ये रवैया और ये अंदाज़ सीखना और जानना और अपनाना ज़रूरी है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे रब की किताब में जो कुछ तुम पर वही किया गया है उसे जूं का तूं सुना दो। कोई उसके फरमुदात को बदलने का मजाज ही नहीं रखता, और अगर तुम इसको बदलने में
कोशिश करोगे तो उससे बचकर भागने की कोई जायपना नहीं पाओगे, और अपने दिल को उन लोगों की मैयत पर मुतमईन करो जो अपने रब की रजा के तलबगार बन के सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं और उसे हरगिज़ निगाह ना फेरो। क्या तुम दुनिया की जीनत पसंद करते हो? किसी शख्स की अतात ना करो जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया और जिसने अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की और जिसका तरीका अफरात व तफरीत पर मबनी है। साफ कह दो, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, अब जिसका जी चाहे मान ले और जिसका जी चाहे इनकार कर दे। हमने इनकार करने वालों के लिए, जालिमों के लिए आग तैयार की है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, जिसकी लपेटें उन्हें घेरे में ले चुकी हैं, वहां अगर वो पानी मांगेंगे तो ऐसे पानी से उनकी तवज्जो जाएगी। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। कैसा है कल मुहल, बेमान कल मुहल। मुहल के दो मानी आते हैं, एक तो उबलता और खौलता हुआ, बॉइलिंग इन बबलिंग ऑयल, और दूसरा पिघला हुआ तांबा। तो जहन्नमियों को पीने के लिए जो मशरूब दिया जाएगा वो क्या होगा? वो तेल के तिलछट जैसा होगा। वो क्या करेगा? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। रब्बना सिर्फ अन्ना अज़ाब जहन्नम, रब्बा नस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम मिन्ना अज़ाबहा काना गरामा। उनका मुंह भून देगा, बदतरीन पीने की चीज और बहुत बुरी आराम का। वो लोग जो मान लेंगे, जहां जहन्नम का तस्करा वहां जन्नत की रुदात। दीन खौफ और उम्मीद के दरमियान चलता है। जो लोग मान लेंगे, नेक अमल करेंगे, तो यकीनन हम नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करेंगे। उनके लिए सदा बहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहां वो सोने के कंगनों से सजाए जाएंगे, बारीक रेशम अतलस दीबा के सब्स कपड़े। अल्लाह ने नाम भी बता दिया, मटीरियल्स भी बता दिए, रंग भी बता दिए, शक ना किया करें। ऊंची मस्तदों पर तकिए लगा के बैठेंगे, बेहतरीन अजर, बेहतरीन अजर और आला जाए कयाम की जगह। रब इब्नी ली इंदा का बैतन फिल जन्ना। इनके सामने एक मिसाल पेश करो, दो शख्स थे, इनमें से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए। अच्छा जनाब, अब एक और किस्सा जो है वो सूरह कहफ में अगला, अब पांचवें रकू में उसका किस्सा आ रहा है। अल्लाह सुबहाना ताला के पास दो बाग हैं और दो हमसाए दो लोग हैं। अल्लाह के हुक्म से क्या हुआ कि वो दोनों बाग एक को दे दिए गए और दूसरे को टोटली महरूम कर दिया गया। असल में ये अदल तो नहीं था, लेकिन अदल दुनिया में अल्लाह नहीं करता। अल्लाह गैर बराबर जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनामात और नेमतें करके आजमाता है ना। ये दुनिया इम्तिहान का है, किसी को देकर आजमाता है, किसी को ना देकर आजमाता है, किसी को देने के बाद वापस लेकर आजमाता है, किसी को ना देने के बाद देकर आजमाता है। तो ये दोनों लोग जो थे ना, आजमाए गए। एक को दो बार देकर आजमा दिया और एक को बिल्कुल महरूम रख के आजमा दिया। आजमाइश के पर्चे में क्या रब पसंद तरीका था? जिसके पास दोनों बाग थे उसको क्या करना चाहिए था? कामयाब होने के लिए अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए था, सब्र करके आपे में रह के तकब्बुर से बचना चाहिए था, और उस बाग को अल्लाह का हक और अल्लाह के बंदों का हक निकालना चाहिए था। और वो जिसके पास कोई भी बाग नहीं था, उस महरूम को क्या करना चाहिए था? उसको उस हाल में भी जाकिर शाकिर राजी बरजा और साबिर रहना चाहिए था। अब देखें ये आजमाए गए, दोनों ने क्या किया। एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए और उनके गिर्द खजूर की दरख्तों की बाड़ थी, उनके दरमियान काश्त की जमीन भी थी, दोनों बाग खूब फले फूले, बराबर होने में जरा सी कसर भी ना छोड़ी, यानी द बेस्ट ऑफ एनवायरनमेंट है ना, द बेस्ट ऑफ बाग है, तो ऑर्चर्ड्स हैं। उन बागों के अंदर हमने एक नहर भी जारी कर दी, उससे खूब नफा भी हासिल हुआ। ये कुछ पाकर एक दिन वो कौन जिसके पास दोनों बाग हैं, वो अपने हमसाये से बात करते हुए बोला, मैं तुझसे ज्यादा मालदार हूं। हाँ, तकब्बुर ही तो नहीं करना था, तकब्बुर कर गया। अना खैरो मिन, तकब्बुर कर गया, दूसरे को हकीर समझ गया, और तुझसे ज्यादा ताकतवर नफरी रखता हूं। कभी कभी अपनी नफरी के ऊपर भी तकब्बुर आता है। फिर वो अपनी जन्नत के लिए अपने बाग में दाखिल हुआ और अपने नफ्स के हक में जालिम बनकर कहने लगा, मैं नहीं समझता कि ये दौलत कभी फना हो जाएगी। क्या हुआ? ऐश में याद खुदा भूल गया ना, फिक्र आखरत से काफिल हो गया।
और मुझे ये तवक्को ही नहीं कि कयामत की घड़ी कब आएगी। तहम अगर मुझे अपने रब के हजूर पलटाया भी गया ना, तो जरूर इससे भी ज्यादा शानदार जगह पाऊंगा। मैं आपको बताऊं कि कई दफा मालदार लोग जो होते हैं ना, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज वाले, और वो सारे शैतान उनके दिलों में वसवसा डाल के उनको इस ढो और ढप पे ले आता है। क्या आपने बहुत दफ़ा ये सोचा और सुना होगा कि लोग कहते हैं कि ये दौलत और ये जायदाद और ये प्रॉपर्टी और ये मिलने और ये फैक्ट्रियाँ मेरी हैं, फिर मेरे बेटे की हैं, फिर मेरे पोते की हैं, और ये हमारे पास ही रहेंगी। और फिर शैतान एक और भी तसव्वुर डालता है, शैतान कहता है कि ये जो सारी नेमतें ये क्या है, हाजा मिन फजली रब्बी, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह तुमसे बहुत राजी है, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें इतना नवाजा है, तो जिसने यहाँ पे इतना नवाजा है वो जन्नत में भी तुम्हें देगा। तो बस यही इसका रवैया था, ना इसने जिक्र किया, ना इसने शुक्र किया, ना इसने अपने आप पे में अपने आप को रख के तकब्बुर से बाज रहा। नाकाम हो गया, बर्बाद हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, देखिएगा अभी। उसके हमसाए ने गुफ्तगू करते हुए क्या था जिसके पास कोई बाग भी नहीं है, उसके हमसाए ने गुफ्तगू करते हुए से कहा, क्या तू कुफर करता है उस जात से जिसने तुझे मिट्टी से फिर नुतफे से पैदा किया और तुझे एक पूरा आदमी बनाया? ये क्या कर रहा है? ये जिक्र कर रहा है, रहा मैं तो मेरा रब तो वही है और मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। और जब तू अपनी जन्नत में दाखिल हो रहा था उस वक्त तेरी जबान से ये क्यों नहीं निकला था, माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्ला? ये खुद भी जिक्र कर रहा है, जिक्र की दावत भी दे रहा है। और अगर तू मुझे माल और औलाद में कमतर पा रहा है ना, तो बईद नहीं मेरा रब मुझे तेरी जन्नत से बेहतर अता करेगा। साबिर है, शाकिर है, राजी बर रजा है, तवक्कुल कर रहा है, और ये भी बईद नहीं कि तेरी जन्नत पर आसमान से कोई आफत भेज दे। ये उसने बद्दुआ नहीं दी थी, ये तो सिर्फ उसको बात समझाई थी कि अगर तू ये करेगा तो मुमकिन है कि अल्लाह तेरे साथ ऐसा कर दे। ये बद्दुआ नहीं थी, ये तंबीह थी कि कोई आफत भेज दे जिससे वो सा मैदान बन के रह जाए, उसका पानी जमीन में उतर जाए और दोपहर किसी तरह भी निकाल ना सके। आखिरकार हुआ भी ये कि उसका सारा ही समरा मारा गया और वो अपने अंगूरों के बाग को टीटियों पर उल्टा पड़ा देखकर अपनी लगाई हुई लागत, कौन सी लागत, उसने वक्त लगाया था, सिलाइयतें लगाई थी, माल लगाया था, उस पर हाथ ही मलता रह गया और कहने लगा, काश मैंने अपने रब के साथ किसी को शरीक ना किया होता, ना हुआ उस अल्लाह को छोड़कर उसके पास कोई जत्था कि उसकी मदद करता, और ना कर सका वो आप ही उस आफत का मुकाबला। उस वक्त मालूम हुआ कारसाजी का इख्तियार खुदाए बरहक के लिए है, इनाम वही बेहतर है जो वो बख्शे, और अंजाम वही बखैर है जो वो दिखाए। पांचवें रकू में सूरा कहफ के अल्लाह ने इन दो बाग वालों का किस्सा सुनाकर क्या बात बड़ी हकीकत से समझा दी है कि वो लोग जो दुनिया में जिक्र, शुक्र, सब्र से गफलत और तकब्बुर का रवैया अपनाते हैं, उनकी दुनिया और आखरत की सारे आमाल बर्बाद और वो खसारे से दो चार को जाते हैं। दूसरी बात ये समझा रहा है कि वो शख्स जो सिर्फ और सिर्फ दुनिया के बागों और दुनिया की रौनकों के पीछे भाग दौड़ करता रहता है, आखिरत में वो नाकाम और नामुराद होता है। ये भी समझा रहे वाकया कि दुनिया क्या है, आखिरत की खेती है, जो बोगे वही काटोगे। फिक्र आखिरत का पैगाम, हुब्बे दुनिया को निकालने का पैगाम, और अलमाल वल बनून जीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात का पैगाम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें हयात दुनिया की हकीकत इस मिसाल से समझाओ कि आज हमने आसमान से पानी बरसा दिया तो ज़मीन की पौध खूब घनी हो गई और वही नबातात भूस बन के रह गई जिसे हवाएं उड़ाई लिए फिरती हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, ये माल और ये औलाद, अलमाल वल बनूना ज़ीनतुल हयात दुनिया वल बाकियात सालिहात। मिसाल में समझाया गया कि जैसे खेती पकती है, किसान को खुश करती है, लेकिन काटने के बाद भुस बन के ख़त्म हो जाती है, वैसे ही जब एक शख्स दुनिया में आता है, अल्लाह की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठाता है, रिस्क खाता है, जवानी के जौबन पे आता है, उसकी जवानी उसको भी और उसके वालिदैन को भी खुश करती है, लेकिन जब मौत की हवा चलती है तो ज़िंदगी भुस बन के उड़ जाती है। जो आगे भेज दोगे वो कामयाब हो जाएगा, जो पूरा खर्च कर दोगे दुनिया में उड़ा दोगे वो बर्बाद हो जाएगा।
अल्लाह ने फरमाया, असल तो बाकी रहने वाली नेकियां तेरे रब के नज़दीक नतीजे के लिहाज से बेहतर हैं और उन्हीं से अच्छी उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं। फिक्र उस दिन की होनी चाहिए जब हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को बिल्कुल बरहना पाओगे और हम तमाम इंसानों को उस तरह घेर कर जमा करेंगे कि अगले पिछलों में से एक भी नहीं छूटेगा और सब के सब तुम्हारे रब के हजूर सफ दर सफ पेश कर दिए जाएं। और फिर जब पेश किए जाएंगे तो क्या होगा? लकद जे तुमूना कमा खलकना कुम अव्वला मर्रा, देखो आज आ गए ना हमारे पास, हाँ, अपना घर, अपनी कोठियां, अपने जायदाद, अपनी बरादरियां, अपने अगले पिछले सब छोड़ के आ गए ना हमारे पास, उसी तरह जिस तरह हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था। दुनिया में इंसान पहली बार आता है, खाली हाथ आता है, मुफलिस फकीर आता है, मोहब्बतें बाद में मिलती हैं, रिश्ते बाद में जुड़ते हैं, माल रिस्क कोठियां जायदादें बाद में मिलती हैं। तो अल्लाह कहेगा वैसे ही जैसे पहली बार पैदा किया था, तुमने तो ये समझ रखा था कि हमने तुम्हारे लिए कोई वादे का वक्त ही मुकर्रर नहीं किया, नामाया माल रख दिया जाएगा। उस वक्त तुम देखोगे मुजरिम लोग अपनी किताबें जिंदगी के एंट्रीज उनके इंतराजात देखकर डर रहे होंगे और कह रहे होंगे, हे हमारी कमबख्ती, ये कैसी किताब है, ये कैसी किताब है कि हमारी कोई छोटी बड़ी हरकत ऐसी है ही नहीं जो इसमें दर्ज ना हो। जो जो कुछ उन्होंने किया होगा सब अपने सामने हाजिर पाएंगे और तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। रब्बाना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा था कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया मगर इब्लीस ने ना किया, वो जिनों में से था इसलिए उसने अपने रब के हुक्म की अताअत से निकल गया। अब क्या तुम मुझे छोड़कर उसकी जुरियत को अपना सरपरस बनाते हो, हालांकि वो तुम्हारे दुश्मन है, बड़ा ही बुरा बदल है जिसे जालिम लोग इख्तियार करते हैं। मैंने आसमान और ज़मीन पैदा करते वक्त उनको नहीं बुलाया था और ना ही खुद उनकी अपनी तख्लीक में उन्हें शरीक किया था। मेरा ये काम नहीं था कि गुमराह करने वालों को अपना मददगार बना लूं। फिर क्या करेंगे ये लोग उस दिन जबकि उनका रब उनसे कहेगा, पुकारो अब उन हस्तियों को जिन्हें तुम मेरा शरीक समझे बैठे थे। ये उनको पुकारेंगे मगर वो उनकी मदद को तो नहीं आएंगे, हम उनके दरमियान एक ही हलाकत का घड़ा मुश्तरक कर देंगे। सारे मुजरिम उस रोज आग देखेंगे और समझ लेंगे कि अब इसमें गिरना है और वो उससे बचने के लिए कोई जाए पनाह नहीं पाएंगे। सूरह अल कहफ का अब आठवां रकू है, आयत नंबर 55। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया मगर इंसान बड़ा ही झगड़ालू है, उनके सामने जब हदायत आती है तो उसे मानने और अपने रब के हजूर माफ़ी चाहने, इस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तूबू इलैक, माफ़ी चाहने से आखिर उनको किस चीज़ ने रोक दिया था, उसके सिवा कुछ नहीं कि वो मुंतज़िर हैं कि उनके साथ भी वही कुछ हो जो पिछली कौमों के साथ हो चुका है, या ये कि वो अजाब को सामने आते देख लें। रसूलों को हमने इस काम के सिवा और किसी गरज के लिए नहीं भेजा कि वो खुशखबरी और तंबीह का अंजाम काम दें, मगर फिर काफिरों का हाल ये कि वो बातिल के हथियार लेकर हक को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और उन्होंने मेरी आयात को और उनकी तंबीहात को जो उन्हें की गई थी मजाकी बना लिया। और उस शख्स से बढ़ के जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयात सुना सुना के नसीहत की जाती और वो मुँह फेरता है। अल्लाह हमें इन जालिमों में ना बनाना और उस बुरे अंजाम को भूल जाए जिसका सरो सामान उसने खुद अपने लिए अपने हाथों से किया था। जिन लोगों ने यह रविश इख्तियार की है उनके दिलों पर हमने गिलाफ चढ़ा दिए। किसके खिलाफ हैं? जिद के, ढिटाई के, दुनिया की मोहब्बत और तकब्बुर के, जो उन्हें ना कुरान की बात ही नहीं समझ देते और उनके कानों में गिरानी है किस चीज़ की, दुनिया की मोहब्बतों की। हम उन्हें हदायत की तरफ कितना ही तुम उन्हें बुलाओ वो इस हालत में कभी हदायत नहीं पाएंगे। अल्लाहुम्मा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तेरा रब बड़ा दरगुजर करने वाला और रहीम है, वो इनके करतूतों पर उन्हें पकड़ना चाहता तो जल्दी अजाब भेज देता मगर उनके लिए वादे का एक वक्त मुकर्रर है और उससे बचकर भाग निकलने की कोई राह नहीं है। ये अजाब रसीदा बस्तियां तुम्हारे सामने मौजूद हैं, उन्होंने जब जुल्म किया तो हमने उन्हें हलाक कर और उनमें से हर एक की हलाकत के लिए हमने वक्त मुकर्रर कर रखा है।
हाँ जनाब, अब ये दो किस्से सुनाने के बाद अब आयत नंबर 60 रकू नंबर 9 से सूरा कहफ में अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाएगा। जरा उनको वो किस्सा तो सुनाओ जो मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आया जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा था। ये किस्सा क्या था और कैसा था? असल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी महफिल में तशरीफ फरमाते, वहां पे कुछ लोग आए, उनमें से एक शख्स ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि कौन सा शख्स सबसे ज्यादा साहिब इल्म है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह, जैसे इंशाल्लाह इन्होंने नहीं फरमाया था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया गया मैं। अल्लाह सुबहाना ताला को ये अंदाज पसंद नहीं आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए उनको ये कह दिया गया कि आप अब इल्म के हसूल के लिए अपने से ज्यादा साहिब इल्म हजरत खिजर के पास तशरीफ ले जाएं और उनकी तलब इल्मी और उनकी शागिर्दी इख्तियार करें। उनकी निशानियां बता दी गई थी, उनका नाम बता दिया गया था, वो जगह जो दो दरियाओं के मिलने की थी, जहां उनके सफर में ज्यादा राह की मछली समुंदर में गायब हो जाएगी, वो निशानी बता दी गई थी और कहा गया था वहां जाकर हजरत खिजर को मिले और उनसे सीखें उस इल्म से जो अल्लाह ने उनको दिया है। तो ये वाकया हमें बुनियादी तौर पर दो चीज़ें बताएगा। एक तो हसूले इल्म का सफ़र है, इसमें अच्छे तालिब इल्म के आदाब और सलीके सिखाए जाएंगे और फिर साथ साथ दुनिया में कुछ तीन वाकयात जो हैं वो बताए जाएंगे जिससे दुनिया में आने वाले दुखों गमों को हैंडल करने का तरीका, इनसे बेफिक्र होकर गमे आखरत पैदा करने का अंदाज इख्तियार किया जाएगा। उनको वो किस्सा सुनाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपने खादिम के साथ थे, ये खादिम हज़रत यूशे बिन नून है अक्सर रवायात से, और ये पता चलता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है कि अपने हसूले इल्म के सफ़र में वो अपने खादिम को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। हम सब अपना मुहासबा करें, आजकल हम कुरान पढ़ रहे हैं, दौरे कुरान सुन रहे हैं, तो इस हसूले इल्म के सफ़र में क्या हमारे खादिम, हमारी खादमाएँ, हमारे वो छोटे छोटे काम करने वाले बच्चे या हमारी वो बहनें हमारे इस सफ़र में हमारे साथ शामिल हैं? वो जो मैंने आपको उस दिन कहा था ना कि अपने टीवी स्क्रीन्स या अपने बड़े स्क्रीन्स पे उनको भी बिठा लीजिए ताकि हमारे घर जो हैं वो रौज़तुल जन्ना बन जाएं और वो गवाहियां अल्लाह के हजूर पहुंच जाएं और इंशाल्लाह कुछ उनके हाथ कानों में भी पड़ जाए और वो आपके और मेरे लिए सदका जारिया भी बन जाए। तो बहरहाल उनके खादिम साथ थे, और वैसे भी पता चलता है कि खादिम शागिर्द भी हो सकता है और शागिर्द खादिम भी हो सकता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं अपना सफ़र, कौन सा सफ़र, हसूले इल्म का सफ़र ख़त्म ही नहीं करूँगा। कितनी डिटर्मिनेशन ऑफ विल पावर है और कितने एडमेंट है, ये डिटर्मिनेशन चाहिए हसूले इल्म के लिए। हसूले इल्म का सफ़र कब करना है? महद से लहद तक, माँ की गोद से लेकर कब्र तक, कोई दिन अल्लाह हमारी महरूमी का ना आए जब तक कि वो दोनों दरिया के संगम पर ना पहुँच जाऊँ, और मैं तो जमाना दराज तक चलता ही रखूँगा। ये है हसूले इल्म का अंदाज। हमें मौत के वक्त तक अल्लाह अब इस पर जमने की तौफीक अता फरमाए। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि जी हमें कुरान का ना कोई शॉर्ट कोर्स बता दीजिए। कुरान का शॉर्ट कोर्स नहीं है, ताल्लुक बिल कुरान तो इंशाल्लाह अब मौत के वक्त तक मुझे और आपको जारी रखना ही रखना है। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। जब वो दरियाओं के संगम पर पहुंच गए तो अपनी मछली से गाफिल हो गए। वो निकलकर दरिया में कुछ ऐसे चली गई कि कोई सुरंगी लगी हो। आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा लाओ हमारा नाश्ता, आज तो हम बहुत ही बुरी तरह से थक गए हैं। ये याद रखिएगा हसूले इल्म के सफ़र में ना थकावट ज़रूर आती है, कभी नींदों की कमी, कभी कमर दुखेगी। दौरे कुरान में भी तो हम सारे फ्रेश हैं ना, और अभी रोज़ों की थकावट नहीं शुरू हुई है और अभी नींदें भी माशाल्लाह पूरी हो रही हैं। रमज़ान के दिन जब आएंगे तो नींदें भी कुछ कम हो जाती हैं, थकावटें भी कुछ बढ़ जाती हैं, कभी कमर दुखेगी, कभी सर दुखेगा, कभी थकावटें आएंगी। तो लेकिन याद रखिएगा ये थकावटें आनी ही आनी है, अल्लाह हमें उनमें भी इस्तकामत अता फरमाए और अल्लाह इन थकावटों का भी अजर देगा इंशाल्लाह। खादिम ने कहा आपने देखा क्या हुआ? जब हम चट्टान के पास ठहरे हुए थे उस वक्त मुझे मछली का ख्याल ही नहीं रहा और शैतान ने मुझे ऐसा गाफिल कर दिया। असूले इल्म के सफ़र में ना शैतान वसवसे डाल के गाफिल कर देता है। उस वक्त लगातार आऊज़ु बिल्लाह पढ़ लिया करें, मैं तो आपसे ज़िक्र ही करना भूल गया। मछली तो अजीब से तरीके से निकल कर दरिया में चली गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा इसी की तो हमें तलाश थी कि यही तो निशानी अल्लाह सुबहाना ताला ने बताई थी। चुनाचे वो दोनों अपने नक्शे कदम पर फिर वापस हुए। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिससे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से ख़ास
इल्म अता किया था। तो अल्लाह की रहमत क्या है, हदीस के अल्फाज है ना कि अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसके साथ क्या करता है, उसको दीन का इल्म देता है। तो ये अल्लाह की ख़ास रहमत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ये कौन है, अब हज़रत खिज़र हैं, वो दो दरियाओं के संगम पर मुलाकात हो गई अपने मुअल्लिम से और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब अपने उस्ताद से बात कर रहे हैं, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ, इजाज़त ले रहे हैं अदब के साथ ताकि आप भी मुझे उस दानिश में से सिखाएं जो आपको सिखाई गई है। उसने जवाब दिया, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते और जिस चीज़ की आपको ख़बर भी ना हो उस पर आप सब्र कर भी कैसे सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। असूल क्या मिल रहा है, अच्छा तालिब इल्म, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अदब है, उस्ताद का एहतराम है, बड़ी बड़ी ही आजजी और इनकसारी के साथ बात कर रहे हैं, कोई धौंस और रोब की बात नहीं है, आजजी इनकसारी तहम्मुल मिजाजी हुस्न सलूक नरमी अदब सलीके से बात कर रहे हैं। और वैसे भी अच्छे तालिब इल्म के लिए सब्र और पेशेंस और टॉलरेंस भी ज़रूरी है और अदब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। याद रखिएगा, वो शागिर्द जो अपने उस्ताद का अदब और एहतराम नहीं करता वो इल्म से महरूम रहेगा, वो इल्म के ख़जाने से फैज़ नहीं पा सकेगा। अपने बच्चों को उनके उस्तादों का अदब सिखाइए। आज हमारे माशरे में उस्ताद का अदब उठता चला जा रहा है। बच्चे आपके स्कूलों से आते हैं और बहुत दफ़ा ये जुमला बोलते हैं, टीचर आ गई थी, सर आ गया था, उसी वक़्त उसका कान पकड़ के उसको बताएं, सर आ गया था नहीं, सर आ गए थे, टीचर आ गई थी नहीं, मैडम आ गई थी। ये अदब और ये सलीका, वो जो कहा गया ना, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। अगर अपनी औलादों को इल्म के जेवरात से आरास्ता करना चाहते हैं तो उनको उस्ताद का अदब एहतराम और सब्र और तहम्मुल का तरीका सिखा दीजिए। ये बात जहन नशीन कर लीजिए, वो अफराद वो घराने वो कौमें जो उस्ताद का अदब नहीं करती वहाँ से इल्म उठा लिया जाता है, वो इल्म से महरूम कर दी जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सुन तेरे तीन बाप हैं, एक तेरा नसब से यानी तेरा हकीकी बाप, एक तेरी बीवी का बाप और एक तेरा वो उस्ताद जिसने तुझे इल्म सिखाया। तो उस्ताद का अदब और एहतराम ज़रूरी है। अब उस्ताद ने क्या कहा, उसने कहा कि अच्छा आप मेरे साथ चलते हैं तो मुझसे कोई बात ना पूछें जब तक मैं खुद आपसे जिक्र ना करूं। सवाल वैसे परमिसिबल हैं बशर्ते कि इल्म के हसूल और अमल की इस्लाह के लिए, लेकिन सवाल करने से पहले अपनी नीयत और इरादा ज़रूर खंगाल लिया करें, कहीं फितने और फसाद की नीयत से तो नहीं है। अब वो दोनों रवाना हो गए, यहाँ तक कि वो कश्ती में सवार हो गए तो उस शख्स ने कश्ती में शिगाफ डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने इसमें शिगाफ डाल दिया ताकि सब कश्ती वालों को डुबो दे, ये तो आपने सख्त हरकत की। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, भूल चूक पर मुझे मत पकड़िए, मेरे मामले में आप ज़रा सख्ती से काम ना लें, गोया उस्ताद सख्ती कर सकता है और शागिर्द को माफ़ी भी मांगनी और माजरत भी करनी है। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि उनको एक लड़का मिला और उस शख्स ने उसे कत्ल ही कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फिर नहीं रहा गया, उन्होंने कहा, आपने एक बेगुनाह की जान ले ली हालांकि उसने तो किसी का खून भी नहीं किया था, ये काम तो आपने बहुत ही बुरा किया। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा नहीं था तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते, कोया हसूल इल्म के लिए क्या ज़रूरत है, बहुत पेशेंस बहुत टॉलरेंस बहुत ज़्यादा सब्र। तो साथ ही फिर हज़रत मूसा ने कहा, इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ ना तो आप मुझे साथ ना रखिएगा, लीजिए अब तो मेरी तरफ से आपको उज़र मिल गया ना, कॉन्टीन्यूसली माजरत है अदब है माफ़ी है और अपने उज़र पेश करने का अंदाज़ है। फिर वो आगे चले, यहाँ तक एक बस्ती में पहुँचे और वहाँ के लोगों से खाना मांगा मगर उन्होंने तो ज़ियाफ़त ही से इनकार कर दिया। और वहाँ उन्होंने एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, उस शख्स ने उस दीवार को फिर कायम कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप चाहते तो मतलब उन्होंने आपकी मेहमान नवाजी भी नहीं की और आप मुफ्त दीवार बना रही हैं, अगर आप चाहते उस काम की उजरत ले सकते थे। उसने कहा, बस मेरा तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, मतलब मैंने कहा सब्र करो पूछो ना, बस मेरा तुम्हारा काम ख़त्म हुआ, अब मैं तुम्हें उन बातों की हकीकत बता दूँ जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। ये हज़रत खिज़र हैं और हज़रत खिज़र के बारे में ना मुख्तलिफ लोग तौजीहात बताते हैं, कोई कहते हैं कि वो
इंसान थे लेकिन नबी थे, कुछ उनको जिन कहते हैं, लेकिन अक्सरियत की राय ये है कि वो फरिश्ता थे। और मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह भी इस बात की तस्दीक करते हैं, क्योंकि आप देखें कि इन्होंने जिस किस्म के काम किए ना, किसी को नुकसान दे दिया, किसी के बच्चे को कत्ल कर दिया, ये सारे के सारे काम करना एक इंसान के लायक नहीं है। फरिश्ते अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के फैसलों को कंडक्ट और कैरी आउट करते हैं। तो अक्सर की राय यही है कि हज़रत खिज़र फरिश्ते थे। अब उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये जो सारे वाक़यात हुए थे, तीन वाक़यात, और वो बड़े तकलीफ़ दे थे, जिसके लिए वो तकलीफ़ आई थी, जिसकी कश्ती ख़राब हो गई, उसका रिज़्क़ का ज़रिया ख़राब हो गया, जिसका बेटा मर गया, उसके लिए दुख का पहाड़ आया, तो हज़रत खिज़र ने पूरी की पूरी इन सारे दुख तकलीफ़ और परेशानी के जो वाक़यात हैं उनके पीछे जो हिकमतें कार फरमा थी वो समझा दी। क्या था कि वो जो किश्ती का मामला था वो चंद गरीब आदमियों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा उसे ऐबदार कर दूँ क्योंकि आगे एक बादशाह का इलाका है जो हर किश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता है, यानी किश्ती के ऐबदार होने में एक खैर और हिकमत उससे बड़ी कार फरमाती। रहा वो लड़का तो उसके वालिदैन मोमिन थे, हमें अंदेशा हुआ कि ये लड़का अपनी सरकशी और कुफर से उनको तंग करेगा, इसलिए हमने चाहा कि उनका रब उसके बदले उनको ऐसी औलाद दे जो इखलाक में उससे बेहतर हो और जिसे सिला रहमी भी मुतवक्के हो। अच्छी औलाद कौन सी होती है? जो सिला रहमी करती है और जो हुस्ने अखलाक से पेश आती है। और इस दीवार का मामला ये कि दो यतीम लड़कों की है जो शहर में रहते हैं, उस दीवार के नीचे उन बच्चों का एक खजाना है और उनका बाप एक नेक आदमी था, इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग होकर अपना ख़जाना निकाल लें। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर, यानी जो ये सारी तकलीफ़ें, मुश्किलात, जिस्मानी, माली, रूहानी, माशी आई थी, ये रब की रहमत की बिना पर किया गया था, मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं किया गया था। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके। इस वाक़े से एक तो हसूल इल्म के आदाब और सलीके बताए गए हैं और दूसरे ये जो आखिरी तीन किस्से हैं इनसे क्या समझाया गया है कि जो होता है वो अल्लाह के हुक्म और इज़्ज़त से होता है, और जब कोई तकलीफ़ आती है तो वो तकलीफ़ अल्लाह अलीम हकीम समी बसीर के इल्म में होती है, और फिर उसके इल्म के होने के बावजूद जब वो कोई तकलीफ़, कोई मुश्किल, जिस्मानी, माली, रूहानी, जिस किस्म का भी क्राइसिस और डिफ़िकल्टी और सिचुएशन देता है, उसमें उस हकीम रब की तरफ से कोई ना कोई खैर और हिकमत ज़रूर होती है। यहाँ पे माशी तंगी थी, दूसरे बेटे का गम था, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में भी कोई ना कोई खैर और बरकत थी ना, अल्लाह की रहमत थी ना। ये वाकयात बुनियादी तौर पर ये समझा रहे हैं कि बड़ी से बड़ी तकलीफ़ और बड़ी से बड़ी मुश्किल उस हकीम रब की तरफ से आती है तो उसमें कोई ना कोई खैर और हिकमत ज़रूर होती है। लिहाजा दुनिया की तकलीफ़ों में राजी बरहज़ार रहा करो, साबिर शाकिर रहा करो, मुतमईन पुरसकून रहा करो, बेसब्री ना किया करो, जिक्र शुक्र सब्र पर जमे रहा करो और तवक्कुल करके राजी बरहज़ार रहा करो। यहाँ के गमों में उलझने की बजाय, यहाँ के फ़िक्रों में कुड़ने की बजाय, दिल को फ़िक्र आखरत से आशना कर लो। ये है वो मज़मून जो ये वाक़या सिखाता है। वयसअलूना का अनज़िलकरनैन, वो आपसे ज़ुलकरनैन के बारे में पूछते हैं, कहो उनका मैं तुम्हें कुछ हाल सुनाता। हज़रत यहाँ पे जो वाक़या सूरह कहफ़ में अब तीसरा सवाल था उसका जवाब दिया जा रहा है कि ज़ुलकरनैन कौन था। ज़ू का मतलब है वाला, ज़ी ज़ा ज़ू, इसका मतलब है वाला, वाली वाले, और करन करनैन करन से है, दो करन वाला, दो सींगों वाला उसको इस हवाले से कहा जाता था कि उसके सर के ऊपर दो शायद कोई स्वेलिंग्स और उभार थे जो सींगों की तरह थे, या पिछले ज़माने के बादशाहों की तरह वो बड़े बड़े सींगों वाली टोपियां पहनता था, इसलिए दो सींगों वाला कहा जाता था, या दो जुल्फ़ों वाला, पिछले ज़माने के बादशाहों के बाल लंबे लंबे होते थे और वो कंधों पर अपनी जुल्फ़ें डाल के रखते थे, या दो कौमों वाला क्योंकि उसकी फतूहात जो हैं वो दो कौमों तक चली, या दो किनारों वाला कि ज़मीन के दो किनारों तक उसकी फतूहात का सिलसिला चला, या दो जमानों वाला कि उसकी दौरे हकूमत दो जमानों तक जारी रही। बहुत से लोग कहते हैं ये सिकंदर आजम था, कुछ अलेक्जेंडर दी ग्रेट को कहते हैं, कुछ मतलब मुख्तलिफ नाम जो हैं वो लगाए जाते हैं, लेकिन कुरान ने, हदीस ने उसका इलाका, उसका दौर, उसका नाम नहीं बताया, इसलिए हमें उसकी कुरेद और टो में जाने की जरूरत नहीं है।
अल्लाह फरमा रहा है कि हमने उसको ज़मीन में इक्तदार दे रखा था और उसे हर किस्म के असबाब और वसाइल बख्शे थे। अब ज़िलकरनैन का वाक़िया ये आखिरी किस्सा है इस सूरा कहफ का, और ये हमें समझाएगा कि दुनिया की महबूब चीज़ों को अलमाल वल बनूना को क्या बनाना है, बाकियात सालिहात बनाना है, और दुनिया की महबूब चीज़ों में उलझ कर दुनिया का नहीं इनको आखरत के हसूल का ज़रिया बनाना है। ज़ुल्करनैन को अल्लाह सुबहाना ताला ने नेमतों से माला माल किया था। ये जवान था, ताकतवर था, साहिब इस्तताअत था, माल हकूमत ओदा इक्तदार जायदाद फ़न हुनर रियासत सब चीज़ों से अल्लाह ने नवाजा था, लेकिन इतनी चीज़ों में कसरत नेमत और माल के अंदर आके ऐश में याद खुदा को दिल से नहीं निकाला था। ना तैश में खौफ खुदा निकला था, ना ऐश में याद खुदा निकली थी। इन नेमतों के अंदर उलझ के नहीं रह गया था। और नेमतों के शुक्र का तरीका जो हम पढ़ते आते हैं, वो अमली शुक्र का तरीका यही होता है ना कि उन नेमतों को रब की रज़ा के लिए, रब के दीन की खिदमत के लिए, रब के बंदों की खिदमत के लिए और अपने आखरत के हसूल के लिए खर्च किया जाए। ये अमली शुक्र का तरीका है जिस पर ज़ुल्करनैन आमिल था। अब जब इतने वसाइल और असबाब थे तो वो अपनी हकूमत और ओदे को इंजॉय करके उसमें मस्त नहीं हो गया था। उसने पहले मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ एक मुहिम का सरोसामान किया, एक्सपेडिशन की। जब वो गरूबे आफ्ताब की हद तक पहुंचा तो सूरज को काले पानी में डूबता हुआ देखा, यानी जमीन की जो आखिरी हद थी ना वहां तक। वहां एक कौम उसे मिली, उसे एक कौम मिली। हमने कहा ज़ुल्करनैन तुझे कुदरत हासिल है कि उनको तकलीफ़ पहुंचाए। फतह हो गई थी ना, तो अल्लाह ने कहा कि अब जो मर्ज़ी करो इनको तकलीफ़ पहुंचाओ, और ये भी कि इनके साथ नेक रवैया करो। उसने कहा कि जो इनमें से जुल्म करेगा उसको हम सज़ा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ पलटाया जाएगा और वो इसे ज़्यादा सख्त अजाब देगा, और जो उनमें से ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए अच्छी जजा है और हम उनको नरम अहकाम देंगे। गोया जब मगरब तक फतूहत का सिलसिला द वेस्टर्न एंड ऑफ ज़मीन तक चला था तो फतह के बाद जुल्म और ज़्यादती नहीं की थी। क्या किया था? मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, जमीन पर अल्लाह के दीन की हाकमियत को कायम किया था, अदल और इंसाफ के निजाम को कायम किया था, जुल्म के खात्मे को अपना चार्टर बनाया था। फिर उसने एक दूसरी मुहिम तैयार की, यहाँ तक कि तुलुए आफ्ताब यानी ईस्टर्न हद तक जा पहुँचा। वहाँ उसने देखा कि सूरज एक ऐसी कौम पर तलू हो रहा है जिसके लिए धूप और छाँव से बचने का कोई बंदोबस्त ही नहीं है। बिल्कुल एक अंडर डिवेलप्ड सी, डिप्राइव्ड सी कौम है। तो ज़ुल्करनैन ने क्या किया, ये हाल था उनका कि कौम बिल्कुल ही डिप्राइव्ड और अंडर डिवेलप्ड कौम थी। और ज़ुल्करनैन के पास जो कुछ था उसे तो हम जानते हैं। मतलब क्या है कि बजाय इसके कि एक ऐसी अंडर प्रिविलेज्ड कौम को के ऊपर हमला करके कब्जा करने और फतह करने और कॉन्कर करने के बाद जुल्म और ज्यादती करता, इसने उल्टा अपना सारा माल जो है वो उनकी खिदमत पर लगा दिया। ये है दुनिया की महबूब चीज़ों को रब पसंद तरीके से खर्च करके अपने लिए बाकियात सालिहात बनाने का तरीका। अब इतनी बड़ी बड़ी वेस्ट और ईस्टर्न एंड्स ऑफ द वर्ल्ड तक फतूहत होगी तो मस्त हो जाता, इंजॉय करता, नहीं अभी फिर लगाव है। फिर उसने एक और मुहिम और एक्सपेडिशन का सामान किया, यहाँ तक कि जब दो पहाड़ों तक, मोस्ट प्रॉब्ली नॉर्दर्न एरियाज हैं, उसके दरमियान पहुंचा तो उसे उनके पास एक कौम मिली जो मुश्किल से कोई बात समझती थी। ये क्या है, ये एक अनपढ़ इलिटरेट जाहिल कौम है। उन लोगों ने कहा कि ज़ुल्करनैन याजूज और माजूज इस ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम का दें कि तू हमारे और उनके दरमियान एक तामीर कर दे, कि हमें उनके फितने से महफूज कर दे। उसने कहा जो कुछ मेरे पास मेरे रब ने दिया ना वो बहुत है। यानी क्या है, दुनिया की इतनी नेमतें हैं, आज तो हाकिमों के पास सब कुछ होने के बावजूद भी मुंह नहीं भरते ना, अपनी स्विस तिजोरियां और अपने स्विस अकाउंट्स भरते चले जाते हैं। इब्ने आदम तेरा मुंह तो कब्र की मट्टी भरेगी की रुदाद है, लेकिन यहाँ पर दुनिया की मोहब्बत तो है ही नहीं है ना, आखिरत की फिक्र है। अपनी भी महबूब चीज़ों को आखिरत के लिए लगा रहे हैं और हिरस है ना, हवस है ना, तमा है ना, लालच है ना, बुखल है। कहते हैं मेरे पास बहुत है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे टैक्स शेक्स, तुम ये अपने पास ही रखो। तुम क्या करो, तुम मेहनत से मेरी मदद करो, ज़ाहिर है तुम मुझे मैन पावर दे दो, वर्किंग हैंड्स दे दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान बंद बनाए देता हूँ, मुझे लोहे की चादरें। अब अपना जो इल्म है, जो फ़न है, हुनर है, वो भी उनकी खिदमत के लिए पेश करें।
आखिरकार जब दोनों पहाड़ों के दरमियान खला को उसने पाट दिया तो लोगों से कहा अब आग दहकाओ। सारा ही अपना स्किल उनकी खिदमत, यही शुक्र का तरीका है कि अपनी माल, अपने फन, अपने हुनर, अपनी ताकतें अल्लाह के बंदों की खिदमत और दीन की अशात के लिए लगा दी। अब आग दहकाओ। यहाँ तक कि जब आहनी दीवार बिल्कुल सुर्ख हो गई तो उसने कहा लाओ अब इसमें पिघला हुआ तांबा उंडे लो। ये बंद ऐसा था कि याजूज और माजूज इस पर चढ़ के भी नहीं आ सकते थे और उसमें नकब लगाना उनके लिए और भी मुश्किल। फिर ज़ुल्करनैन ने कहा तकब्बुर नहीं किया, अपना तारुफ नहीं किया, उस वक़्त भी अल्लाह का तारुफ, ये मेरे रब की रहमत है, मेरे रब का जब वादा होगा तो इसको पैबंदे खाक कर देगा और मेरे रब के वादे का, मेरा रब का वादा बरहक है। उस रोज़ हम लोगों को छोड़ देंगे, समुंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे, सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा कर देंगे और वो दिन होगा जब हम जहन्नुम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हैं और कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। ये यहाँ पे याजूज और माजूज का तस्करा है कि वो दीवार बांध दी गई और याजूज और माजूज ज़ुल्करनैन ने कह दिया कि वो नकब नहीं लगा सकते और उस दिन लगाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। याजूज और माजूज का तस्करा यहाँ पर कुरान में आया है, हदीस में ये कहाँ है दीवार और ये याजूज और माजूज अब कहाँ हैं, क्या कैफियत है, हदीस में कोई वाज़ेह अलामत मौजूद नहीं है, लेकिन ये ज़रूर मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज और माजूज रोज़ उस दीवार पर नकब लगाते हैं और आखिरी ज़रब लगा के उस दीवार को तोड़ने ही वाले होते हैं कि वापस पलट जाते हैं और फिर अगले दिन आके फिर से उसको नए सिरे से तोड़ने लगते हैं। अल्लाह का हुक्म जिस दिन होगा वो आखिरी नकब भी लगाएंगे, दीवार को तोड़ देंगे और फिर हर बुलंदी की तरफ से उछलते कूदते दौड़ते हुए आएंगे। इनका बताया गया कि इनके कद छोटे छोटे होंगे, भारी भरकम जिस्म होंगे, चौड़े चकले जो चमड़े की ढालें हैं उनकी तरह के चेहरे होंगे, जर्द रंग होंगे, छोटी छोटी आंखें होंगी, सारा पानी पी जाएंगे, सारा खाना खा जाएंगे और फिर ये कि आसमान की तरफ आग के तीर फेंकेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इनके फितने से निजात के लिए दुआ मांगेंगे और फिर ये सब के सब हलाक होंगे और इनके जिस्मों के गलने और सड़ने से बदबू फैलेगी और फिर जब बदबू फैलेगी तो फिर बारिश आएगी हज़रत ईसा की दुआ के बाद और इनके जिस्मों को बहा के ले जाएगी। तो ये याजूज और माजूज का फितना अलामत क़यामत में से बिल्कुल कुर्बे क़यामत से पहले होगा और उसका कुरान में यहाँ तस्करा है। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफर इख्तियार किया ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे, हमने ऐसे काफरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नुम तैयार कर रखी है, इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं अपने आमाल में सबसे ज़्यादा नाकाम और नामुराद कौन है, वो जो दुनिया की ज़िंदगी में जिनकी सारी सही सारी एफर्ट्स कोशिशें राह रास से भटकी हैं और वो समझ भी ये रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया और उसके हजूर पेशी का यकीन ही नहीं किया, इसलिए उनके सारे आमाल ज़ाया हो गए, क़यामत के रोज़ हम उन्हें कोई वज़न नहीं देंगे, उनकी जज़ा जहन्नुम है उस कफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे हैं। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए उनकी मेज़बानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे। रब इब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, और कभी उस जगह से निकल के जाने को उनका जी भी नहीं चाहे। इनसे कहो अगर समुंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए, कौन सी बातें, रब की ज़ात, उसकी सिफात, उसके इख्तियारात, उसकी कुव्वत, उसके इनामात, उसके मोजात, उसके कमालात, उसके अहकामात, कितनी बातें, हाँ उसकी बातें लिखने के लिए अगर रोशनाई यानी स्याही बन जाए तो वो ख़त्म हो जाएगी, मेरे रब की बातें ख़त्म नहीं होंगी, बगल इतनी रोशनाई हम और ले आएंगे तो भी वो कफायत नहीं करेगी। इनसे कहो मैं तो एक इंसान हूँ तुम जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार है उसे चाहिए कि नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को शरीक न करे।
अल्लाह सुभाना ताला हमें तौहीद को समझने और शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सुभाना ताला हमने सूरा कहफ जो पढ़ी है इसके मानी और मफहूम को समझने और हम जब जुम्मे के दिन पढ़ें इसके पैगाम को दोहराने अपने फ़िक्र आखरत में इजाफा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। अल्लाह दुनिया की मोहब्बतों से हमें जुहद और गिना अता फरमा दे। अल्लाह इस आर्जी ज़िंदगी की आर्जी चीज़ों को अल्लाह गैर अहम समझने और जन्नत की नेमतों अबदी नेमतों को अहमियत देने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह इस आर्जी दुनिया के छोटे छोटे गम छोटी छोटी परेशानियाँ यहाँ की आर्जी दुखों से अल्लाह अब हमें बेपरवाह कर दे। अल्लाह इनको इग्नोर करना सिखा दे। अल्लाह ये नुस्खा समझा दे कि इन तकलीफ़ों में भी कोई ना कोई खिदमत होगी। अल्लाह दुखों तकलीफ़ों में साबिर शाकिर रहने वाला खुश नसीब बना दे। अल्लाह इन गमों से गनी करके इन मोहब्बतों को दिल से खाली करके अल्लाह हमें गम आखरत अता फरमा दे। अल्लाह फ़िक्र आखरत से आशना कर दे। अल्लाह ऐसा फ़िक्र आखरत अता फरमा दे कि दुनिया की महबूब चीज़ों को तन मन धन औलादों को बाकियात सवालहात बनाने में कामयाब हो जाएं। अल्लाह लिल्ला फिल्ला खर्च करने वाले खुश नसीब बन जाएं। अल्लाह जो तेरे राह में तेरे दीन के लिए तेरे बंदों के लिए खर्च करें अल्लाह उसको कबूल फरमा लेना। अपनी रहमत से उसका बढ़ा चढ़ा के अजर अता फरमा देना। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नतुल फिरदाउस रब्बन असरिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सूरा मरियम 16वें सिपारे की अब अगली सूरत सूरा मरियम मक्की सूरत है। 6 रकुआत और 98 आयात पर मुश्तमिल तरतीब के एतबार से 19वें नंबर पर आने वाली सूरत का नाम इस हवाले से है कि इसमें हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़िया और किस्सा बयान किया गया है। और अगर ज़माने नज़ूल के हवाले से देखा जाए तो ये सूरत जो है वो हिजरत हबशा से पहले नाजिल हो चुकी थी। और हिजरत हबशा से पहले नाजिल होने की वरुदात अगर मैं हिजरत हबशा मुख्तसरन दोहरा दूँ तो ये मक्का का इनिशियल पीरियड बल्कि मक्का का जो दरमियाना पीरियड है उसका बिल्कुल अव्वल हिस्सा जब मुशकी ने मक्का की मार पीट इनकार जो है और मजाक जो है वो मार पीट और जुल्म की तरफ उसने रुख फेर लिया और जुल्म की चक्की चलनी शुरू हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को उनके ईमान बचाने के लिए ये मशवरा और रहनुमाई दी कि मेरा ख्याल है कि तुम एक इलाका जो बिल्कुल करीब और मुत्तसिल था तुम हबशा की ईसाई रियासत की तरफ हिजरत कर जाओ। और आपने वजह भी बताई क्यों, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान यानी नजाशी आदिल हुक्मरान है। आदिल हुक्मरान की बरकत और फयूज तो ज़मीनों पे नज़र आती है ना। पहले एक ग्रोह ने हिजरत की उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हज़रत जाफ़िर बिन अबू तालिब ने क़यादत की और फिर इसमें हज़रत उस्मान और आपकी साहबजादी भी थी। आपने फरमाया कि हज़रत इब्राहिम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद ये पहला जोड़ा है जिसने अल्लाह की राह में हिजरत की है और फिर दूसरी हिजरत में उससे ज़्यादा लोग थे। लेकिन जब ये दूसरा ग्रोह हिजरत करके हबशा तशरीफ ले गए सहाबा इकराम मुहाजरों का ग्रोह तो मक्का की बस्ती में तो एक कोहराम मच गया। कोहराम क्यों मचा, क्योंकि अब मक्का में से लाइक और स्पेशली इन्फ्लुएंशियल जो इलीटिश घर थे ना मक्का के उनमें से कोई घर ऐसा रहा ही नहीं था जिसका कोई ना कोई फर्ज हिजरत कर गया। अगर हम देखें तो अबू जहल का भाई हिजरत कर गया, उतबा के बेटे हिजरत कर गए, अबू सुफियान की बेटी उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा हिजरत कर गई और इसी तरह अगर हम देखें तो बहुत से लोग हिजरत कर गए। एक घर का बेटा माँ बहन कोई ना कोई फैमिली मेंबर जो है वो हिजरत कर गया। अब मुश्रिकीन मक्का बहुत परेशान थे, हिल गया था मक्का, कोहराम मच गया था मक्का में और फिर मक्का वालों ने सर जोड़ के एक छोटा सा ग्रोह एक वफद तैयार किया, उनको हबशा उनके पीछे भेज दिया। ये लोग सबसे पहले नजाशी के दरबार में ये मुश्रिकीन मक्का का ग्रोह आया, उन्होंने नजाशी से क्या तारुफ करवाया, उन्होंने कहा कि देखो हमारे मक्का की रियासत से ना तुम्हारे इलाके में हमारे कोई ओबाश से लौंडे आवारा से नऊज़ुबिल्लाह लौंडे जो हैं वो हमारे
हमारी बस्ती से तुम्हारे इलाके में आ गए हैं और वो हमारे दीन के मुर्तद भी हैं, और हम तुम्हें वॉर्न कर रहे हैं कि अगर ये तुम्हारे इलाके में रहेंगे ना तो तुम्हारे दीन के अंदर भी बिगाड़ और फसाद क्रिएट करेंगे। तो बस हमारी दरख्वास्त है कि अपनी रियासत को बचाने के लिए हमारे बागी हमारे हवाले कर दो। अब इस पर नजाशी ने क्या कहा? नजाशी ने कहा कि मैं पहले उनको बुलाऊंगा और उनकी रुदाज सुनूंगा, और उनकी रुदाज सुनने के बाद मैं फैसला करूंगा। हज़रत अबू इनको मुसलमानों के गिरोह जो मुहाजिर थे इनको बुलाया गया, और इनको बुलाने के बाद इनसे सवाल किया गया। हज़रत जाफ़िर बिन अबू तालिब ने उस वक़्त वो अपना बहुत ही तारीखी सा खुतबा दिया, और उन्होंने फरमाया कि अपनी पहले की रुदात बताई कि हम पहले जो मक्का में थे हम कैसे जाहिल थे, हम लूट मार रहजनी करते थे, हम बरहना होके तवाफ़ करते थे, हम शराब जुआ जो है वो करते थे, हम अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, और फिर लक़द मन अल्लाह, अल्लाह ने हम पर एहसान किया, और हम में कैसे नबी भेजे, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अहकामात जो है उसका तारुफ करवाया। जब नजाशी ने ये सब कुछ सुना तो नजाशी ने इनको रहने की इजाज़त दे दी। अब जब इजाज़त दे दी तो वो गिरोह जो मुशरिकीन मक्का का था वो तो पहले से भी ज़्यादा मुश्तइल और अपसेट हुए। अगले दिन फिर ये नए प्लान के साथ गए और उन्होंने नजाशी को कहा कि अच्छा तुमने इनको इनके दीन के बारे में सुन के इनको छोड़ तो दिए, लेकिन अब हमारी तुमसे ये दरख्वास्त है कि तुम इनको बुला के पूछो कि ये तुम्हारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा के बारे में क्या कहते हैं। इनकी ये कोशिश इसलिए थी ना कि इनको पता था कि ये मुसलमान क्या कहते हैं ईसाइयों के हज़रत ईसा और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में। अब जब फिर बुलाया गया मुसलमानों को तो मुसलमान कुछ थोड़े से परेशान तो थे कि उनके अकायद के खिलाफ बात करनी है, लेकिन फिर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला ने सूरह मरियम जो पहले नाजिल हो चुकी थी इसकी तलावत की, और जब तलावत की तो हमें रवायात में बुखारी की हदीस से पता चलता है कि नजाशी निकाहें नीची करके सुनता जा रहा था, और उसकी आंखों से सातवें सिपारे के शुरू में यह आयत है तफीज़ु मिनद दमी, उनकी आंखों से आंसू जारी थे, उसकी दाढ़ी तर थी। और जब हज़रत जाफ़र ने तलावत का सिलसिला मुकम्मल किया तो उसने ज़मीन से एक तिनका उठाकर कहा कि खुदा की कसम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ना इससे कुछ ज़्यादा थे ना इससे कुछ कम थे। नजाशी ईमान ले आया था लेकिन ईमान ला के नबी सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर तो नहीं हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वफात पर गायबाना नमाज जनाजा अदा की थी, गोया ये मुसलमान हो गया था, और सातवें सिपारे में इसके ईमान लाने का तस्करा भी मौजूद है। तो ये सूरह मरियम की आयात हैं जो उन्होंने तलावत की थी। अब इसको पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया। ज़िक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे ज़करिया अलैहिस्सलाम पर की थी, और ये रहमत क्या थी? जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। ये रहमत दुआ की कबूलियत और ये रहमत दुआ की तौफीक थी। हदीस मुबारका के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई और रहमत का इरादा फरमाते हैं उसे दुआ की तौफीक देते हैं। तो ये वो रहमत थी जो अल्लाह सुभाना ताला ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के साथ की। और फिर उन्होंने पुकारा कैसे? बहुत ऊंची आवाज़ से नहीं, शोर करके, बावाज़े बुलंदी, चुप कैसे गिड़गिड़ा के पुकारा। ये दुआ के आदाब भी हैं, इंशाल्लाह हम इन पर समरी में बात भी करेंगे। उसने अर्ज़ किया, क्या कहा? ए परवरदिगार, मेरी हड्डियाँ तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा। अपनी सिचुएशन बता रहे हैं ना, और ए परवरदिगार, वलम अकुम बिदुआइका रब्बी शकिया। अल्लाह मेरी जैसी हालत है, मेरी बीवी की जैसी हालत है, जो हमारा स्टेट ऑफ अफेयर्स और सिचुएशंस और कंडीशंस और बीमारियाँ और मसाइल हैं, लेकिन अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांग कर कभी ना मुराद नहीं हुआ। और ये दुआ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कब की थी? हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम के खालू थे, हज़रत मरियम की वालदा के बहनोई थे, हज़रत मरियम के खालू थे। उन्होंने जब देखा कि माँ हज़रत वालदा मरियम की वालदा को हमल गिरता था, उन्होंने मन्नत मान ली थी कि मैं बेटी को दीन के लिए वक्फ करूँगी, तो अल्लाह ने बेटी दी और बेटी इतनी नेक इबादतगार सवाले दी, और फिर बेटी को अल्लाह ताला ने जन्नत के फल दिए, हम सूरह आल इमरान में ये पढ़ते हैं। तो लिहाजा वो इतना बड़ा मौजा देखने के बाद हुनालिका दुआ ज़करिया, वहीं पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। कौन सी दुआ? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 में आती है, रब्बी हबली मिल्लतुन का ज़ुर्रियतन तोय्यिबतन
इन्नका समीउद दुआ, उस दुआ में भी ये नुस्खा है, यहाँ पे भी ये नुस्खा है। हालात बहुत मुश्किल थे, खुद बूढ़े थे, बीवी बांझ थी, कहते हैं मेरा सर भुड़क उठा है, मेरी बीवी खुश हो चुकी है, कोई दुनियावी वसाइल और असबाब नजर नहीं आ रहे हमल के, लेकिन दुआ कबूल क्यों हुई थी? एक तो नबी की दुआ थी, बाप की दुआ थी, हदायत के लिए दुआ थी, लेकिन सबसे बढ़ के कबूल इसलिए हुई थी, इस दुआ में यकीन बहुत था, वसूख बहुत था, तवक्कुल बहुत था। वह लम कुम भी दुआ कर रबी शकी, अल्लाह तू मुजीबुद दुआ, तू करीब उन समी उन, तू तो हया वाला, इन्ना रब्बुकुम हय्युन करीमुन फस्तहयी, वो हया करता है खाली हाथ लौटाते हुए। जब ये यकीन था कि तू मुझे खाली हाथ नहीं लौटाएगा, यकीन और वसूख और तवक्कुल से की हुई दुआ रद्द नहीं होती। दुआ यकीन से किया करें, वसूख से किया करें, और ये दुआ जब यकीन और वसूख से हुई तो दुआ किस शान से कबूल हुई। उन्होंने कहा कि मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी भी बांझ है, बस तू मुझे अपने फजल से एक वारिस अता कर दे जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब की भी मीरास पाए, और फिर परवरदिगार उसको पसंदीदा इंसान भी बनाना। अब दुआ कैसे कबूल हुई थी? सिर्फ ये नहीं कि बाद में, साथ ही वहीं पर जवाब आया था, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से उतरा था और जवाब आया था, ए ज़करिया हम तुझे एक लेक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं हुआ। खुशखबरी हमल की दी, वलादत की दी, बेटे औलादे नरीना की दी, नाम तजवीज़ किया, उसकी नबूवत बताई गई। ये दुआ थी, नबियों की दुआएं कबूल होती हैं, कुरानी दुआएं कबूल होती हैं, हदायत के लिए मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं, दीन की सरबुलंदी के लिए मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। यकीन वसूख और तवक्कुल से की हुई, दिल जमाई से की हुई बातें दुआएं कबूल होती हैं। इस दुआ को अपनी दुआओं में लाजिम हिस्सा बना लीजिए। अर्ज़ किया, परवरदिगार लो, ईमान हमेशा एक जैसा तो नहीं होता, कितने ईमान और यकीन से मांगा था, अब फौरन बदल गया, भला मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख भी चुका हूँ? जवाब मिला, ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि तू मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है, आखिर इससे पहले मैं तुझे भी तो पैदा कर चुका हूँ जब तू कोई चीज़ ना था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार फिर मेरे लिए कोई निशानी, हाँ कोई इंडिकेशन, कोई अलामत मुकर्रर कर दे। फरमाया, तेरे लिए निशानी तो ये है कि तू पहम तीन दिन तक लोगों से क्या नहीं करेगा, दो मानी, या तो बात ना करना, यानी हमल होगा, औलाद की खबर मिलेगी, वजाए हमल की खुशखबरियां मिलेंगी, तो क्या करना, अल्लाह की नेमत के शौक के शुक्र के तौर पर चुप का रोज़ा रखना। बनी इसराइल की शरीयत में चुप के रोज़े का तसव्वुर था, तो शुक्राना नेमत के तौर पर चुप के रोज़े का तसव्वुर, और दूसरा मतलब तीन दिनों तक बात नहीं कर सकेगा, यानी अल्लाह की तरफ से जब हमल ठहरेगा तो निशानी और अलामत के तौर पर तीन दिन हज़रत ज़करिया की ज़बान बंदी हो जाएगी। उस वक्त में भी अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम्हारी ज़बान बंद हो जाएगी तो उस वक़्त भी कौम को इशारे से तस्बीह का हुक्म देना, गोया नेमतों के मिलने पर शुक्र का तरीका क्या है, अल्लाह की तस्बीह और हमद सना करना। चुनाचे वो मेहराब से निकलकर अपनी कौम के सामने आया और उसने इशारे से उनको हदायत की कि सुबह शाम की तस्बीह करो। ए याहिया, किताबे इलाही को मजबूत थाम लो, हमने बचपन ही से हुक्मत से नवाजा था और अपनी तरफ से उनको नरम दिली और पाकीज़गी अता की थी, और वो बड़े परहेजगार और मुत्तकी थे, अपने वालिदैन के हक शनाज थे, और वो जब्बार भी नहीं थे और नाफरमान भी नहीं थे। सलाम हो उन पर जिस रोज़ वो पैदा हों और जिस दिन वो मरें और जिस रोज़ वो जिंदा करके उठाए जाएँ। हज़रत याहिया जो हैं वो हज़रत ज़करिया के बेटे हैं, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालाज़ाद हैं, उस हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के रिश्ते में तो मामू बनते थे, लेकिन कुछ रवायात में कि उम्र में सिर्फ 6 महीने और कुछ रवायात में कि उम्र में 1 साल बड़े थे। रिश्ते में मामू होने के बावजूद उम्र तकरीबन 1 जितनी थी, और हज़रत याहिया ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत की गवाही भी दी थी और तस्दीक भी की थी, उनके मुआविन और मददगार भी बने थे, और ये अल्लाह का हुक्म था रसूलों को। ये नाम इससे पहले किसी को नहीं दिया गया था, और यहाँ जो कहा जा रहा है ना कि वो बहुत उनको अल्लाह ने हिकमत दी थी, बड़े ज़्यादा समझदार और मामला फहम और बहुत ज़्यादा फरासत वाले थे। बचपन का वाकया आता है हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम का, कि वो बचपन में बच्चे उनके पास आए जो बस्ती के बच्चे थे, उन्होंने कहा कि चलो आओ खेलें, तो हज़रत याहिया ने बचपन के दौर ही में कहा कि मुझे इस काम के लिए नहीं भेजा गया। तो बहुत ही ज़्यादा हिकमत और दानाई और तहम्मुल मिजाज,
अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस किताब में मरियम अलैहि सलाम का हाल बयान करो जबकि वो अपने लोगों से अलग होकर शर की जानिब गोशा नशीन हो गई थी। ये जब वाक्या सूरह आल इमरान में भी पढ़ा जाता है तो वहाँ पे भी दोहराइएगा, अल्लाह सुबहाना ताला के हुक्म से जब हज़रत मरियम की वालदा का हमल बार बार गिरता चला जा रहा था और उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो फिर उन्होंने अल्लाह से नज़र मानी थी, इन्नी नज़र तुमा लका माफ़ी बतनी, कि जो मेरे पेट में ये बच्चा हमल से है मैं इसको तेरे लिए नज़र करती हूँ और मुहर्ररन आज़ाद कर देती हूँ दुनिया के कामों और अपनी जिम्मेदारियों से, फतकब्बल मिन्नी, अल्लाह तो कबूल कर ले। तो फिर जब बेटी हो गई थी तो शुरू में कुछ परेशान हुई थी और तरद्दुद हुआ था कि अल्लाह तूने तो बेटी कर दी है, और फिर इन्नी समय तो हाँ मरियम, अल्लाह और अल्लाह के बंदों और दीन की खिदमत गुजार मरियम उनका नाम रख दिया था और फिर दीन के लिए वक्फ कर दिया था। तो उसके बाद फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हैकल सुलेमानी में बैतुल मक़दस के मशरक़ी कोने में गोशा नशीन हो गई थी, वहीं पर इबादत करती थी और वहीं पर दीन सीखती थी और वहाँ पर उनकी कफालत हज़रत ज़करिया उनके खालू करते थे और वहीं पर वो जन्नत के मेवे उनके पास वो देखते थे। ये जो मशरक़ी कोने में बैतुल मक़दस और हैकल सुलेमानी के मशरक़ी कोने में इबादत गुजार हुई थी, इसी वजह से और इसी मुनासिबत से ईसाई जो हैं वो बैतुल मक़दस के मशरक़ी कोने को अपना किबला तसव्वुर करते हैं। और फिर गोशा नशीन कैसे हुई थी, वो पर्दा डाल के, फत्तखज़त मिन दूनहिम हिजाबा, हज़रत मरियम ने भी हिजाब और अपने पर्दे का बंदोबस्त किया था। जवान हैं, कंवारी हैं, बाकरा हैं, ना महरम मर्दों से उन्होंने भी हिजाब का तसव्वुर इख्तियार किया था। ये वही तसव्वुर है जो कुरान में भी फरमाया गया, वसलुहुन्ना मिन वराए हिजाब, के ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम को कह दो कि जब उम्महातुल मोमिनीन से कुछ मांगना होता है तो एक हिजाब के पीछे से। सूरह नूर और अहज़ाब में हम वज़ाहत से इस हिजाब पर बात करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि हिजाब का तसव्वुर सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु की शरीयत में नहीं, पिछली शरीयतों में भी था। सब नबियों का दीन इस्लाम है, हर दीन का बुनियादी वस्फ हया है और औरत की हया के लिए हिजाब लाजिम है। ये हिजाब सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तालीमात में नहीं, पिछले तमाम इल्हामी इस्मानी किताबों और नबियों की तालीमात का एक लाजिम हिस्सा है। हजरत मरियम भी हिजाब का बंदोबस्त करती नजर आती हैं और वो इटली में जब उन्होंने इटली की एक बिल पास किया और उसको फिर लॉ बनाने की रेजोल्यूशन दी, तो उन्होंने एक इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो पार्लियामेंटेरियन था उसको कहा कि तुम इस बिल को साइन कर दो। तो वो इटालियन पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि हाउ डू यू एक्सपेक्ट मी टू साइन दिस बिल व्हेन आई सी द होली मेरी वेयरिंग अ वेल, कि मैं देखता हूँ कि होली मेरी, आप देखें कि उन्होंने जो बुत बनाए हुए होते हैं उसमें भी वो हिजाब की हालत में होती हैं। तो उसने कहा कि तुम मुझे, मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं होली मेरी को होली मेरी कहता हूँ और मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने हिजाब लिया हुआ है, तो तुम अपनी रियासत में हिजाब बैन करने का बिल पास करके कैसे समझते हो कि मैं उसको गोहेड दे सकता हूँ। और वो जिन्होंने अपनी ज़मीन में हिजाब बैन किया और मुसलमान औरतों को हिजाब लेने से रोका, आज देख लीजिए जो ना अल्लाह से डर के हिजाब लेते थे, जो ना हिजाब लेने वालों को रोकने से अल्लाह से डरते थे, आज अल्लाह का एक छोटा सा जरसूमा वो सारी की सारी कौम को एक निकाब पर मजबूर कर रहा है। बर वक्त अल्लाह के खौफ से किया हुआ अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होता है। अल्लाह हमें होश के नाखून लेने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया इस हालत में हमने उसके पास एक रूह को, ये कौन था, हज़रत जिब्राइल तशरीफ़ लाए थे, फरिश्ते को भेजा, वो उसके सामने एक पूरे इंसान की शक्ल में नमूदार हुआ। ज़ाहिर है अकेली जवान कंवारी बच्ची पर्दे में बैठी हुई और एक मर्द की शक्ल में एक फरिश्ता ना महरम आ गया, बोल उठी अगर तू कोई खुदा तर्स यानी मुत्तकी है ना तो मैं तुझसे खुदाए रहमान की पनाह मांगती हूँ। उसने कहा मैं तो तेरे रब का फरिश्तादा हूँ, इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे एक पाकीज़ा लड़का दूँ। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे यहाँ लड़का कैसा होगा जबकि मुझे किसी बशर ने छुआ तक नहीं और मैं कोई बदकार औरत भी नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा ऐसा ही होगा, तेरा रब फरमाता है कि ऐसा करना मेरे लिए बहुत आसान है और हम ये इसलिए करेंगे कि उस लड़के को लोगों के लिए एक निशानी बना दें और उस अपनी तरफ से एक रहमत, और ये काम होकर रहना। अल्लाह के फरिश्ते ने हजरत मरियम को एक बेटे की वलादत की खबर दी, हमल की खबर दी और साथ क्या कह दिया, वकाना अम्रम मक्जिया, ये अल्लाह का हतमी फैसला और हुक्म है। अल्लाह की एक फरमा
गुजार खातून, अल्लाह की इबादत गुजार, अतात गुजार खातून का अल्लाह के हतमी हुक्म और फैसले के सामने रवैया क्या है, वो मेरे और आपके लिए बहुत बड़ा आई ओपनर है। हज़रत मरियम के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि कामिल औरतें चार हैं, कामिल औरतें चार हैं, फिरौन की जौजा हज़रत आसिया, हज़रत ईसा की वालदा हज़रत मरियम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जौजा मोहतरमा हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, एक जगह पर हज़रत आयशा सिद्दीका और दूसरी जगह पर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का नाम है, कोई आप पाँच हो गई इस फहरिस्त में, इसमें नाम हज़रत मरियम का है। एक कामिल खातून को जब फरिश्ते ने अल्लाह का एक हतमी हुक्म बता दिया, ये हमल हज़रत मरियम के लिए आसान नहीं था, इस हमल को लेकर चलना हज़रत मरियम के लिए इंतहाई मुश्किल था। आप सोचें जरा, एक खातून को उस पोजीशन में रख के सोचें कि एक जवान कंवारी बाकरा अनमैरिड खातून जिसकी नेकी, जिसकी पाक दामनी, जिसकी इबादत गुजारी के चर्चे हैं, जिसके डंके हैं कि उसके पास जन्नत के मेवे आते हैं, और अब उसके ऊपर इतना बड़ा कलंक का धब्बा, अब बदनामी और बदकारी का इतना बड़ा गुनाह का एक इल्ज़ाम का एक सियाद धब्बा, क्या किया? याद रखिएगा, अल्लाह के अतात गुजार जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है ना, तो समेना व अतवाना और अल्लाह की तरफ से आने वाले फैसलों पर सर तस्लीम खम कर देना, झुक जाना, अपने इख्तियार अमल से दस्तबरदार हो जाना। मरियम को उस बच्चे का हमल रह गया, वो उस हमल को लिए वे एक दूर मकाम पर चली गई। आज कैसे हमल ज़ाया करवा दिए जाते हैं, अपने जॉब्स के लिए, अपनी डिग्रीज के लिए, अपने प्रोफेशंस के लिए, अपने सहूलतों के लिए, अपने घूमने फिरने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि हम अभी दो बच्चों को नहीं पाल सकते, हम तीन को नहीं पाल सकते। अल्लाह ने कल ही सूरह बनी इसराइल में फरमा दिया था, वला तक्तुलू औलादकुम मिन खशियत अमलाक, फ़क्रो फाका के डरों से औलादों को कत्ल ना करो। यहाँ देख लीजिए, एक जवान कमारी बच्ची का हमल है, वो उस हमल को लेकर दूर मकाम पर चली गई। ये अताते इलाही का अंदाज़ है, ये अताते इलाही का अंदाज़ है। फिर जचकी की तकलीफ़ उन्हें खजूर के एक दरख्त के नीचे पहुँचा दिया। हम कई दफ़ा ये वाक़ियात पढ़ते हैं ना, तो ये लगता है कि शायद ये लोग कोई सुपर ह्यूमंस थे, ये कोई रोबोट्स थे, इनको दुख गम परेशानियाँ सताता ही नहीं था। पढ़ें अगली आयत, जब वो दरख्त के नीचे पहुँच गई तो कहने लगी, काश मैं इससे पहले ही मर गई होती और मेरा नामो निशान भी ना रहता। हाँ, दुख था, गम था, परेशानी थी, घबराहट थी, बेइज्जती, जिल्लत, ये तमाम चीज़ों का परेशानी सता रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अतात पे जमी हुई थी। याद रखिएगा कि जब कोई शख्स दुख में, गम में, परेशानी में, क्राइसिस में, मुश्किल हालत में अल्लाह की अतात के आगे सरे तस्लीम खम कर देता है, सरेंडर कर देता है, अल्लाह के फैसलों और अल्लाह के अहकामात पर राजी बरज़ा होकर अतात पर जम जाता है सब्र और इस्तकामत के साथ, तो फिर अल्लाह की सुन्नत भी आती है, इन्नल्लाह मा साबरीन भी होता है। देख लीजिए ऐसी साबरा के साथ मदद कैसे आई। फरिश्ते ने पैंती से उसको पुकारा, गम ना कर। अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ने सकीना भी दिया, अल्लाह ने रिस्क भी दिया, अल्लाह ने तन्हाई को भी काटा। अकेली खातून बैतुल लहम में अकेली तन तन्हा वजाए हमल का मौका है, ना माँ है, ना बहन है, ना सास है, ना नंद है, ना भाभी है, ना शौहर है, ना कोई खिलाने वाला, ना कोई पिलाने वाला, ना सहारा देने वाला, ना दबाने वाला, ना टेक देने वाला, ना ढारस देने वाला, ना आंसू पूछने वाला। कितनी मुश्किल है, और आगे आगे बेइज्जतों, जिल्लतों और रुसवाइयों का एक तूफान है जो नजर आ रहा है। कितना मुश्किल वक्त है, कितनी मुश्किल सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त सबर है, राजी बरज़ा है। अल्लाह की मदद कैसे आई, जो परेशानी थी फरिश्ते ने आके कहा, ला तहज़नी, गम ना कर। अल्लाह ने सकीने का बंदोबस्त कर दिया, अल्लाह ने इत्मीनान कल्ब का बंदोबस्त कर दिया। फरिश्ते ने कहा, तेरे रब ने तेरे नीचे एक चश्मा रवा कर दिया। अरे पानी की ज़रूरत होती है पीने के लिए, नहाने के लिए, वज़ाए हमल में ड्रिपें लगती हैं, अल्लाह ने चश्मा रवा कर दिया। और तू ज़रा इस दरख्त के तने को तो हिला, तेरे ऊपर तरोताज़ा खजूरें टपक पड़ेंगी। अल्लाह ने खुराक का बंदोबस्त कर दिया, और ख़ुराक भी वो जो द बेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। हाँ,
और फिर कहा तू खा और पी और अपनी आंखें ठंडी कर, आंखें उस पानी से ठंडी कर, अपने पैदा होने वाले अपने गोद में इस प्यारे से बच्चे को देख के अपनी आंखें ठंडी कर। कितनी तकलीफ का वक्त था, अल्लाह साबरों को छोड़ता नहीं है। इन्नल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ने सकीना भी दिया, इत्मीनान कल्ब भी दिया, अल्लाह ने साथ भी दिया, अल्लाह ने हमायत भी दी, अल्लाह ने रिस्क भी दिया, अल्लाह ने पानी भी दिया, अल्लाह ने ठंडी औलाद आंखें करने के लिए औलाद भी दी, और साथ ही अल्लाह सुबहाना ताला ने अगली मुश्किलात को निपटने के लिए लाए अमल तजवीज़ भी कर दिया। ये मेरा रब है। अल्लाह ने लाए अमल क्या तजवीज़ किया कि अगर कोई आदमी, यानी तू बच्चे को लेके जब बस्ती वालों में जाएगी, अगर आदमी नज़र आएगा ना तो उनसे कह देना मैंने रहमान के लिए रोज़े की नज़र मानी है, आज मैं किसी से नहीं बोलूँगी। अभी मैंने आपको पीछे ही बताया कि बनी इसराइल की शरीयत में छुप के रोज़े का तसव्वुर था। अल्लाह सुबहाना ताला ने बस्ती में एक छोटा सा नौजायदा बच्चा कंवारी औरत जब लेकर आएगी तो वो जो मुखालिफत का तूफान उमड़ के आना है उससे पहले लाए अमल बता दिया कि खामोश रहना और सबको कह देना कि मैंने चुप का रोजा रखा है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त वो जो एतराजात और तोमतों की बोछाड़ में चुप रहना अव्वल तो आसान नहीं, इंतहाई मुश्किल था, और वैसे ये मसले का हल लग नहीं रहा था। ये प्रैक्टिकल और फिजिबल सिचुएशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सिचुएशन लग नहीं रही थी। लेकिन ये बात आज पल्ले से बांध के उठिएगा कि मुझे और आपको जिंदगी में जब कोई तकलीफ या परेशानी सताए, मैं और आप कुरान और हदीस की तरफ रुजू करके जो मशवरा पाएंगे, अगर वो प्रैक्टिकल लगे, अनप्रैक्टिकल लगे, अनप्रैक्टिकल लग रहा है तो मेरी अकल नाकिस है, मेरा फहम कम है, वो ठीक लगे ना लगे, मुश्किल लगे आसान लगे, जो शख्स अल्लाह के कुरान और हदीस के बताए हुए नुस्खों पर आंखें बंद करके तवक्कुल करके अमल कर लेता है, और नुस्खों पर एक तो अल्लाह की मदद आती है, एक अल्लाह की रजा आती है, रहमतें बरकतें ढांप लेती हैं, और फिर वो हिकमत वाले रब का जो तजवीज़ करदा तरीका है वही बेहतरीन मसाइल का हल होता है। हज़रत मरियम आई, लोगों ने क्या कहा, फिर वो उस बच्चे को लिए हुए अपने कौम में आई, लोग कहने लगे ऐ मरियम तूने तो बड़ा पाप कर डाला, ऐ हारून की बहन ना तेरा बाप कोई बुरा आदमी था ना तेरी माँ कोई बदकार औरत थी, यानी उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। मरियम ने क्या कहा, जो अल्लाह ने कहा था वो चाहे मुश्किल था, चाहे डिफ़िकल्ट था, चाहे फिजिबल नहीं भी लग रहा था, मरियम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को माना था, अल्लाह की मान ली। उन्होंने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया, क्या हुआ, नाकाम हुई, बर्बाद हुई, तोमतों ने बेइज्जत कर दिया? नहीं, लोगों ने कहा हम इससे क्या बात करें जो गहवारे में पड़ा हुआ बच्चा है। बच्चा बोल उठा। सूरह अल इमरान में आता ना कि तीन बच्चे गहवारे में बोले थे माँ की गोद में, उनमें से एक हजरत ईसा है, बच्चा बोल उठा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है, नबी बनाया, बाबरकत की है, जहाँ भी मैं रहूँ नमाज और ज़कात की पाबंदी का हुक्म दिया, जब तक मैं जिंदा रहूँ और अपनी वालिदा का हक अदा करने वाला बनाया, मुझे जब्बार और शकी नहीं बनाया, सलाम है मुझ पर जब मैं पैदा हूं और जब के मैं मरूं और जब जिंदा करके उठाया जाऊं। यहां जो कहा जा रहा है ना कि मुझे अपनी वालिदा का हक शनास बनाया, अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जहां भी तज़करा किया है उनको ईसा इब्न मरियम कहकर पुकारा है। यहां पर पीछे हजरत याया का किस्सा आया तो अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया था कि उनको वालिदैन का हक्शनास बनाया, यहां पर चूंकि बिन वालिद के बिन बाप के पैदा हुए हैं तो यहां पर सिर्फ वालिदा का हक्शनास बनाया का तस्करा है। ये ईसा इब्ने मरियम हैं, और ये है उसके बारे में वो सच्ची बात जिसमें ये लोग शक करते हैं। अल्लाह का ये काम नहीं कि वो किसी को बेटा बनाए, वो पाक ज़ात है और जब किसी बात का फैसला करता है तो कहता है हो जा, बस वो हो जाती। और ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब, बस तुम उसकी बंदगी करो, यही सीधा रास्ता है। मगर फिर मुख्तलिफ गुरोह बहम इख्तिलाफ़ करने लगे, जिन्होंने कुफर किया था उनके लिए वो वक्त बड़ी तबाही का होगा जबकि वो एक बड़ा
दिन देखेंगे जब वो हमारे सामने हाजिर होंगे। उस रोज उनका उनके कान भी सुन रहे होंगे, उनकी आंखें भी देख रही होंगी, मगर आज ये जालिम खुली गुमराही में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में जबकि ये लोग गाफिल हैं और ईमान नहीं ला रहे, उन्हें उस दिन से मुतनब्बे करो जब फैसला कर दिया जाएगा और पछतावे के सिवा कोई चारा ही नहीं होगा। आखिरकार हम जमीन और उन सारी चीज़ों के वारिस होंगे और सब हमारी तरफ पलटाए जाएंगे। अल्लाह सुभाना ताला उस दिन की जिल्लतों और रुसवाइयों और घबराहटों से बचा देना। और इस किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करो, वो कैसे थे। इन्नाहु काना सिद्दीक नबिया, सच्चाई तमाम अंबिया की सिफत और सुन्नत है। अल्लाह हमें मरते दम तक सच्चाई पे जमने और झूठ से बचने की बेहतरीन तौफीक और इस्तकामत अता फरमाए। वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी था। उन्हें ज़रा उस मौके की याद तो दिलाओ जबकि उसने अपने बाप से कहा था, अब्बा जान आप क्यों उन चीज़ों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं। आपको पता है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परस्ती और वालिद तो बुतगर थे ना, और ना ही कोई आपका काम बना सकती हैं। अब्बा जान मेरे पास एक ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चले मैं आपको रास्ता बता दूंगा, सीधा रास्ता बता दूंगा। आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का ना फरमान है, मुझे डर है कहीं रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाए ना और शैतान के साथ ही बन कर रहें। बाप ने कहा, इब्राहीम क्या तू मेरे बाबूदों से फिर गया, अगर तू बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सलाम है आपको। कुरान भी कहता है ना, वज़ा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, कि जब जाहिल उनके साथ बात करते हैं और वो जहालत और ज़िद पर उतरते हैं तो लड़ाई नहीं करनी, बदअखलाकी बदतमीज़ी नहीं करनी, कालू सलामा, मैं अपने रब से आपके लिए दुआ करूंगा और आप सबको माफ़ कर दे, मेरा रब बड़ा मेहरबान है, मैं आप सबको छोड़ता हूँ, उन हस्तियों को भी जिन्हें आप लोगों को खुदा को छोड़कर पुकारते हैं, मैं तो अपने रब ही को पुकारूंगा ना, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार के नामुराद नहीं होऊंगा। नबियों का अंदाज ये था कि वो जब रब को पुकारते थे यकीन वसूख और तवक्कुल से पुकारते थे, ना उम्मीद और मायूस होकर नहीं दुआ करनी, हमेशा तवक्कुल से करनी है। बस जब उन लोगों और उनके माबूदा ने गैर अल्लाह से जुदा हो गया तो हमने इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी और हर एक को नबी बनाया और उनको अपनी नेहमत से नवाजा और उनको सच्ची नामवरी अता की। जिक्र करो इस किताब में मूसा अलैहिस्सलाम का, वो एक चीदा शख्स रसूल और नबी थे। हमने उनको तूर की दानी जानिब से पुकारा और राज गुफ्तगु से उनको तकर्रु बता किया और अपनी मेहरबानी से उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बनाया। और इस किताब में इस्माईल का जिक्र करो, वो वादे का सच्चा रसूल और नबी, अपने घर वालों को नमाज और ज़कात का हुक्म देता था और अपने रब के नज़दीक एक पसंदीदा इंसान था। अल्लाह के सच्चे नबी, अल्लाह के सच्चे रसूल, अल्लाह के पसंदीदा बंदे कौन, ज़बीउल्लाह, क्या करते थे, वो घराना जो खलीलुल्लाह ज़बीउल्लाह का घराना है, वो घराना जो मेमार थे खाना काबा के, वो घराना जिन्होंने खाना काबा की तामीर के लिए अपने बेटों को कुर्बान करने का तरीका इख्तियार किया था, वो भी नमाज कायम करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियां देने वाले, वो भी खलीलुल्लाह होने के बावजूद रब्बी जाली मकीमत सलाती की दुआएं करने वाले भी अपने घर वालों को अपने अहले खाना को नमाज की ताकीद करते थे। मैं आप सबसे भी दरख्वास्त करूंगी अपने घर वालों से जिस से मोहब्बत, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, मोहब्बत का तकाजा ही है कि जिससे मोहब्बत है उसको जहन्नुम की आग से बचाएं, और जहन्नुम की आग से बचाने के लिए जन्नत की कुंजी नमाज है, जन्नत की कुंजी की तरफ माइल कर लीजिए जिस से मोहब्बत है। मोहब्बत का अव्वलीन तकाजा है नमाज की दावत दे दीजिए, नमाज की पाबंदी की तरफ माइल कर लीजिए, जिनसे मोहब्बत है उनको झुकने का पैगाम दे दीजिए। अल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाए, हमारी मदद फरमाए, हमारी जबानों में तासीर अता फरमाए। इस किताब में इदरीस का तस्करा करो, वो एक रास्तबाज इंसान, एक नबी, और हमने उसे एक बुलंद मकाम पर उठाया था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का तस्करा कल हमने शबे मेराज पर किया और मैंने आपको बताया था कि मैं फिर इनकी रुदात बताऊंगी। चौथे आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से हुई थी। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह के
नबियों में से एक नबी है जिनका कुरान में एक से ज़्यादा मकाम पर तस्करा है। इंशाल्लाह बाकिया कहीं और वजाहत से बयान होगा, लेकिन इनकी वफ़ात का मामला मैं कुछ ऐसे बताऊँ। हज़रत इदरीस नेकियों के मामले में बहुत हरीस थे, फस्ता बिकुल खैरात, तमाम नबियों की तरह नेकियों के बारे में बहुत ज़्यादा खरीज थे। इनका ये हिर्स देखकर खैरात पर और भलाइयों पर अल्लाह सुबहाना ताला ने इनको वही के ज़रिए खबर और वादा किया कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अब आप ज़िंदगी के जितने दिन ज़िंदा रहेंगे बाकी मानदा ज़िंदगी के दिनों में हर रोज़ आपको रुए ज़मीन पर तमाम लोगों की नेकियों का अजर आपके भी जिम्मे लिख दिया जाएगा। यानी इस रुए ज़मीन पर जितने लोग नेकियां करेंगे ना उनकी नेकियों का अजर आपके अमाल नामे में भी लिखा जाएगा। अब जब ये इतनी बड़ी खबर वही से मिली और अल्लाह का इतना बड़ा वादा है रब्बानी नेकी के हवाले से मिला, तो बस ये और हरीस हो गए और इनके दिल में ये लाजिम ख्वाहिश आई कि काश मेरी ज़िंदगी के कुछ दिन बढ़ जाएँ ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नेकियाँ मिल जाएँ। अब इनके एक दोस्त फरिश्ते थे, आपको पता है आगे हम जाके पढ़ेंगे कि कुछ लोग जब साबित कदमी से दीन पर जम जाते हैं तो तनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर फरिश्ते उनके दोस्त बन जाते हैं। तो हज़रत इदरीस का एक फरिश्ते के साथ दोस्ती थी। जब ये दिल में ख्वाहिश आई तो ये अपने दोस्त फरिश्ते के पास गए और अपने दोस्त फरिश्ते से मुखातिब होकर कहा कि देखो आप तो फरिश्ते हैं, आप अपने मलकुल मौत फरिश्ते के साथ ज़रा मेरी सिफारिश करें कि अभी मेरी मौत को ज़रा मुलतवी कर दें ताकि दुनिया में मुझे मोहलत के कुछ ज़्यादा दिन नेकियां समेटने और आमाल नामे में जमा करने के लिए मिल जाए। दोस्त फरिश्ता हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को लेकर आसमान की तरफ चला। अभी चौथे आसमान पर पहुँचे थे कि ऊपर से मलिकुल मौत उतर रहे थे और चौथे आसमान पर इनकी मुलाकात हुई और दोस्त फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश मलिकुल मौत को पहुँचा दी। अब जब मलिकुल मौत को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की सिफारिश दोस्त फरिश्ते ने पहुँचाई तो मलिकुल मौत ने अगला सवाल किया कि वैसे मुझे ये तो बताओ कि इदरीस अलैहिस्सलाम हैं कहाँ। तो दोस्त फरिश्ते ने कहा मेरे परों के नीचे यहाँ। तो मलिकुल मौत ने कहा अच्छा, तभी तो जब आसमान पर मुझे अल्लाह सुबहाना ताला ने यह हुक्म दिया था कि जाओ चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर लो और उन्हें फौत कर लो, तो मैं ये सोच रहा था कि इदरीस अलैहिस्सलाम चौथे आसमान पर कैसे होंगे। ये है मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, वइज़ात अहदकुमुल मौत तवफ्फतहु रुसुलुना वहुम ला युफर्रितून। सबको मौत का मज़ा चखना है, कड़वा कसैला घोंट पीना है और जब जहां जिसकी मौत का वक्त आ जाए, वो कोई नबी हो, कोई बहुत औलिया अल्लाह हो, शरीफ फरिश्तों से याराने रखने वाला भी हो, तो मलिकुल मौत को जब हुक्म आता है तो फरिश्ते तो यफलूना मा योमरून, फिर वो ताखीर नहीं करते। तो ये मौत की हकीकत है। अल्लाह हमें इस मौत के बाद की तैयारी करने और इस मौत को याद रख के सयाना होशमंद बनने की तौफीक अता फरमाए। ये वो पैगंबर हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया आदम की औलाद में से और उन लोगों की नस्ल से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था और इब्राहिम की नस्ल और इसराइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से, और ये उन लोगों में से थे जिनको हमने हदायत बख्शी थी और बरगजीदा किया था। उनका हाल ये है कि जब रहमान की आयात उनको सुनाई जाती हैं तो रोते हुए सजदे में गिरते हैं। रोते हुए क्यों? शुक्र के तौर पर कि शुक्र है अल्लाह ने मोहलत अमल में अहकामात बता दिए, समझा दिए, लाइल्मी में दुनिया से नहीं उठा दिया, गुनाही में दुनिया से नहीं उठा दिया। शुक्र के तौर पर, अल्लाह के खौफ के तौर पर, इस्तग़फ़ार के लिए, तौबा के लिए रोते हुए सजदे में गिरते हैं। दूसरी आयत सजदे आज के सबक में। फिर उनके बाद वो नाखलफ लोग उनके जानशीन हुए जो नमाजों को ज़ाया करते थे। नाखलफ जानशीन कौन से होते हैं? जो नमाजों को ज़ाया करते हैं। अल्लाह हमारी नस्लों में कोई बेनमाजी ना उठाना, ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी करते हैं। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन वाइज़ना मिन शुरूरे अनफुसना, अल्लाह नफ्सों के शर से बचा लेना। करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों, अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आएँ और नेक अमल इख्तियार करें वो जन्नत में दाखिल होंगे, उनके ज़रा बराबर हक तलफी नहीं होगी। उनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर्दा वादा कर रखा है और ये वादा पूरा होकर रहना है। जन्नत में कोई बेहूदा बात नहीं सुनेंगे, जो कुछ सुनेंगे ठीक सुनेंगे और उनका रिस्क उन्हें पहम सुबह शाम मिलता रहेगा। ये वो जन्नत है जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उनको बनाएंगे। कौन? जो मुत्तकी होंगे। मिलके दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा
आती नफ्सी तक्वाहा। हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरते। कौन? फरिश्ते। जो कुछ हमारे आगे है, जो कुछ पीछे है, जो कुछ उसके दरमियान है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं है। वो रब आसमानों और ज़मीनों का और उन सारी चीज़ों का जो आसमान और ज़मीन के दरमियान है। बस तुम उसकी बंदगी करो, बंदगी में साबित कदम रखो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में उसकी हम पाया? रब्बना सब्बित अक़दामना। इंसान कहता है, क्या वाकई जब मैं मर जाऊंगा तो फिर जिंदा करके निकाल लाया जाऊंगा? क्या इंसान को याद नहीं आता कि हम पहले इसको पैदा कर चुके हैं जब वो कुछ भी नहीं था? तेरे रब की कसम, हम जरूर इनको और सबको शयातीन को भी घेर लाएंगे, फिर जहन्नुम के गिर्द ला के उन्हें घुटनों के बल गिरा देंगे। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना। हर घरों में से हर उस घरों को छांट लेंगे जो रहमान के मुकाबले में ज्यादा सरकश बना था। फिर ये हम जानते हैं कि उनमें से कौन से बढ़ के जहन्नुम में झोंके जाने का मुस्तहिक है। तुम में से कोई ऐसा नहीं जो जहन्नुम पर वारिद ना हो। ये तयशुदा बात है जिसे पूरा करना तेरे रब के जिम्मे है। फिर हम उनको बचा लेंगे जो दुनिया में मुत्तकी थे और जालिमों को उसी में गिरावा छोड़ देंगे। ये जो कहा जा रहा है ना कि सब लोगों को जहन्नुम पे से वारिद होना है, ये कैसे और कब और कहाँ होगा? सब लोगों को जब आमाल नामे तुल जाएंगे, जन्नतियों को उनके सीधे हाथ में और जहन्नमियों को उल्टे हाथ में या हाथ के पीछे पकड़ाए जाएंगे, तो इस फैसले के बाद जबरन पकड़ के लोगों को जहन्नुम में नहीं फेंका जाएगा। आमाल नामे थमाने के बाद सब लोग जहन्नुम की पुश्त पर रखा हुआ एक पुल जो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज है, पुल सिराज जो जहन्नुम का ऊपर पुश्त के ऊपर पुल है, सब उसके ऊपर से गुजरेंगे। कोई भाग के दौड़ के गुजरेंगे, बर्क रफ्तारी से गुजरेंगे, कोई आहिस्ता आहिस्ता, कोई घिसट घिसट कर, किसके लिए नूर आगे तक होगा और किसी के मुनाफे के पाँव के अंगूठे में होगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आगे गुजर के परले किनारे के ऊपर खड़े होकर उम्मतियों को आते हुए देख कर क्या कहेंगे? सल्लम रब्बी सल्लम, अल्लाह मेरी उम्मतियों को सलामती से गुजार देना। और मोमिन सारे जन्नती गुजर जाएंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुमने सादान के कांटे देखे? ये ना डेजर्ट का एक बहुत बड़ा सा एक कैक्टस लाइक प्लांट होता था, उसके बड़े बड़े सर्कुलर कांटे होते थे। क्या तुमने सादान के कांटे देखे? तो आपने फरमाया कि जो पुल सिरात के आंकड़े होंगे ना, जो हुक्स होंगे, वो सादान के कांटों की तरह होंगे और नाफरमानों के पाँव इन आंकड़ों में फंसेंगे और वो मुँह के बल जहन्नुम में गिरा दिए जाएंगे। अल्लाह हमें इनमें ना बनाना। रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। इन लोगों को जब हमारी खुली खुली आयात सुनाई जाती हैं तो इनकार करने वाले ईमान लाने वालों से कहते हैं, बताओ हम दोनों गुरुओं में से कौन बेहतर हालत में है और किसकी महफिलें ज़्यादा शानदार हैं? हालांकि उनसे पहले हम कितनी कौमों को हलाक कर चुके हैं जो उनसे ज़्यादा सरो सामान रखती थी और ज़्यादा ज़ाहरी शान और शौकत में थी। उनसे कहो, जो शख्स गुमराही में मुबतला हो, रहमान ढील दे दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, ख्वाब व अजाब इलाही हो या क्यामत, तब उन्हें मालूम हो जाता है कि किसका हाल ख़राब है, किसका जत्था कमज़ोर है। इसके बरक्स जो लोग राह रास्त इख्तियार करते हैं, अल्लाह उनको राह रास्त में तरक्की अता करता है और बाकी रह जाने वाली निकियाँ तेरे रब के नज़दीक जजा और अंजाम के अतबार से बेहतर हैं। तूने देखा उस शख्स को जो हमारी आयात को मानने से इनकार करता है और कहते हैं, मैं तो माल और औलाद से नवाजा रहूंगा, क्या उसे गैब का पता चल गया है? क्या उसने रहमान से कोई वादा ले लिया है? हरगिज नहीं। जो कुछ ये बकता है ना, उसे हम लिख लेंगे और उसके लिए सजा में इजाफा करेंगे। जिस सरो सामान और लाओ लश्कर का ये जिक्र कर रहा है, वो सब हमारे पास रह जाएगा और ये अकेला हमारे सामने हाजिर होगा। उन लोगों ने अल्लाह को छोड़ के कुछ खुदा बना लिए ताकि वो उनके पुश्तिबान हो। कोई पुश्तिबान नहीं होगा, सब उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उल्टे उनके मुखालिफ बन जाएंगे। क्या तुम देखते नहीं हो, हमने इन मुनकरीन हक पर शयातीन छोड़े हुए हैं जो उन्हें खूब खूब मुखालिफत पर उकसा रहे हैं। अच्छा, तो इन पर नज़ूल अज़ाब के लिए बेताब ना हो, हमने इनके दिन गिन रखे हैं। वो दिन आने वाला है जब मुत्तकी लोगों को हम मेहमानों की तरह रहमान के हजूर पेश करेंगे। अल्लाह हमें इनमें बना देना। और मुजरिमों को, किसके? अल्लाह के मुजरिम हैं, प्यासे जानवरों की तरह जहन्नुम की तरह हांक ले जाएंगे। उस वक्त लोग कोई सिफारिश लाने पर कादिर नहीं होंगे बजुज़ उसके जिसने रहमान के हजूर से परवाना हासिल
नाजिल किया हो। वो कहते हैं रहमान ने किसी को बेटा बना लिया, सख्त बेहुदा बात है जो तुम लोग घर लाए हो। करीब है आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए, पहाड़ गिर जाएं इस बात पर कि लोगों ने रहमान के लिए औलाद का दावा किया। रहमान की शान ये नहीं है कि वो किसी को बेटा बनाए, जमीन और आसमान के अंदर जो भी हैं सब उसके हजूर बंदों की हैसियत से पेश हैं, सब पर मुहित है, उसने सबको शुमार कर रखा है, सब कयामत के रोज फर्दन फर्दन उसके सामने हाजिर होंगे। यकीनन जो लोग ईमान ले आए हैं और अमले सौले कर रहे हैं, अनकरीब रहमान उनके दिल में मोहब्बत पैदा कर देगा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। बस इस कलाम को हमने आसान करके तुम्हारी ज़बान में इसलिए नाजिल किया है कि परहेजगारों को खुशखबरी सुना दो, हट धर्म लोगों को डरावा दे दो। उनसे पहले हमने कितनी कौमों को हलाक कर दिया, फिर आज कहीं तुम उनका निशान पाते हो? आद का, समूद का, कौम लूत का, कौम शोएब का कोई निशान पाते हो या उनकी भिनक भी कहीं सुनाई देती है? अल्लाह अपने छोटे अजाबों से हमें पलटने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें उस नीस्तो नाबूद करने वाले बड़े अजाब का तकवा खौफ और फिक्र अता फरमा। अल्लाहुम्मा जअलनी मिन अत्तवाबीना व जअलनी मिन अल्मुततअखिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين ثم امين।